नमस्कार, हम छी ललित नारायण झा और अपने लोगन के बहुत बहुत स्वागत है मिथिला मिरर के मोनक बात कार्यक्रम में। आ एक अति विशिष्ट पाहुन के लऽ कऽ से अपने लोकनिक सोझा एलौ हैं। अति विशिष्ट एहि दुआरे जे हिनका विषय में जे बखान करो लागी तो शायद हमरा लग शब्द नहीं है। आ चूँकि मैथिली पत्रकारिता में जे हम एलौ हैं या जिनका देख कऽ जिनका सुनि कऽ जे छै से हमरा प्रेरणा भेटल है, ओहन व्यक्तित्व जे विभिन्न विधा के जे छै से महारथी छथि, हिनका गीतकार कहल जाय, संगीतकार कहल जाय, पत्रकार कहल जाय, आलोचक समालोचक गायक की कहल जाय से पता नहीं, तो मतलब एहि तमाम जे गुण अगर एक गोटे में जे विद्यमान होइ छै तो वह व्यक्तित्व जे छै से धीरेन्द्र प्रेमर्षि कहै छथि। तो ई हमरा सभक सौभाग्य है आ निश्चित रूप से जे छै से जे गोटा देख रहल छथि हुनको लोकनिक ई सौभाग्य छनि जे आइ धीरेन्द्र भैया हमरा सभक मिथिला मिरर में संग छथि। आ ओहिके बाद जे छै से हम सब भैया से बातचीत करब। भैया बहुत बहुत स्वागत छै अहाँके मिथिला मिरर। बहुत बहुत धन्यवाद। एकरा संग जे छै से सहयोगी के रूप में मनीष झा बुआ भाई सेहो छथि। मनीष भाई अहूँके बहुत बहुत स्वागत छै। हुनकर नाम कहबै छनि धीरेन्द्र प्रेमर्षि। निश्चित रूप से किछु परिचय एहन होइ छै जे लोक के स्वयं परिचित करै छै आ हिनकर परिचय देनाय के मतलब छै जे हमसब अपन परिचय पर सेहो गर्व करै छी जे हमसब के एहन व्यक्तित्व के परिचय दऽ रहल छी जिनकर परिचय लग हमहू सब कतौ ने कतौ स्थापित होइ छी। और बहुत बढ़िया बात कहलियै, कते व्यक्ति के लेल प्रेरणा सेहो छथिन। तऽ हमरा सबक मोनक बात कार्यक्रम में भैया अपने के बहुत बहुत स्वागत छै। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी अहूँ के। भैया चूंकि छै कि तऽ किछु एहन व्यक्तित्व छथि जिनका विषय में होय की छै तऽ जतै हे ओ नाम अबै छै तऽ लोक कहै छथिन ये हमरे ओहिठुनका छथि। तऽ एहने किछु जे छै से विद्यापति के नाम में सेहो होइ छै, बंगाल में जाउ तऽ बंगाली कहै छथिन जे ई बंगाल के छथि, हमरा सब कहै छै हमर छथि। तऽ किछु किछु एहने नाम छै, उदित नारायण के सेहो एहने नाम छनि जे एम्हरका लोक कहै छथिन जे हुनकर घर तऽ वो मधुबनी में छनि। तऽ अहाँ के परिचय की छै, चूँकि ई चीज अहूँ के विषय में कहल जाइ छै ई तऽ हे हुआ ओहिठुनका छथिन, तऽ आप अहाँ मूल रूप से कतऽ के छी से हम एकटा परिचय अपने से जानना चाहब। हमरा सबके संग जे छै फेर छा के चलू ना जोड़ल है ततो से जोड़ देलहुँ जे हमरा कनिक कोना दन लागि रहल अछि, मुदा जे जेना अहाँ सब सन सुयोग्य व्यक्तित्व अखन मैथिली पत्रकारिता के आगा बढ़ा रहल छी, संचार कर्म के आगा बढ़ा रहल छी, तऽ हमरा एकटा गौरव होइए जे अहाँ सब संगे बातचीत कर रहल छी। तऽ सामान्यतया हम नेपाल में हमर जन्म अछि भेल, नेपाल में बस्तीपुर नाम से एकटा गाम छै। प्राय मिथिलांचलक जे श्रोता छथि तिनका सबके लहान नामक एकटा जगह बेसी बुझल हेतनि, ओहिठाम आँखिक अस्पताल बड़ा प्रसिद्ध छै, तऽ ओकरे बगल में छै बस्तीपुर नामक गाम, गोविंदपुर पंचायत, बस्तीपुर पहिने पंचायत होइ छलै, नेपाल में आइकाल्हि गाँव विकास समिति होइ छै, और भऽ सकैया जे ई नवका संविधानक बाद ओकर नाम फेर किछु परिवर्तित भऽ जाय। तऽ हमर जन्मस्थान ओ अछि। जनकपुर सँ बेसी जुड़ल रहलहुँ, खास कऽ कऽ हम मैथिली के संदर्भ में कहै छी जे आँखि आ पाँखि हमरा जनकपुरे में भेटल। आँखि तऽ भऽ सकैया जे आँखिओ ओतै भेटल, काठमांडू में जाकऽ पाँखि फड़फड़ेलहुँ आ ओहिठाम पाँखि फड़फड़ा रहल छी अखन धरि। जेना कि कहलियै भाई जी बस्ती सिरहा, बस्तीपुर बस्तीपुर सँ जनकपुर, ई संयोग केहन छलैया? जनकपुर बस्तीपुर सँ डायरेक्ट नहि छी हम गेल, बस्तीपुर सँ हमर जे यात्रा रहै से नेपाली मे एकटा शब्द छै अल्लारे। अच्छा, अल्लारे माने बेफिक्र, लापरवाह, कोनो जिम्मेदारी बोध नहि, बड़ बढ़िया रमल छी। गीत संगीत में कनी रुचि रहे तो वही रमल रहवा क्रम में पता नहीं एक पारिवारिक दायित्व तो बोध मुदा हमरा कनी छोटे से रहे, जरूरत नहीं रहे, शायद परिवारक स्थिति ई नहीं रहे जे हम काज करा लगबे तकरा बाद कतो किछ हेते। पिताजी हाई स्कूल के टीचर रहे, एकटा हुनकर मेडिकल प्रैक्टिस चलै छलन है, बड़ा नाम छलन है ओहिठाम, तो ठीक ठाक भैया सब नौकरी चाकरी करे छला है, मुदा तेहनों में एक दूटा भाई जे बेरोजगार रहे वा नहीं रहे तहिया शुरू के ने रोजगारी, तो हुनका सबक जे अवस्था देखें तो होइ छला नहीं हमरा सबके व्यर्थ में समय नहीं गमेबाक चाही, जे अवसर भेटा ओकरा उपयोग करैत पहिने अपना के स्थिर करबाक चाही।
प्यार पर ठाड़ हेबाक चाहिए। तो अ क्रम में वास्तव में मजाके मजाक में हमारा नौकरी धरा गया, सरकारी नौकरी दिल्ली पास हो गई, जखन कि हम पढ़ाई के इंतजार में रही आगा वाला। तो वो भेलाक बाद एकदम नेपाल के एकदम सुदूर आ दुर्गम एक जगह हुमला जैठाम, अखन जैठाम ठंडा में मौसम माइनस में जा रहा है, लगभग 10-15 डिग्री सेल्सियस पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ी हिमाली उत चल गए। खास कर जखन पता चल घर में ओहिठाम जा रहा है तो एक चिट्ठी आयल, तोरा नहीं छो नौकरी चाकरी कर के काज ओहन ओहन जगह में जा कर, तो ई जखन आयल तखन हमरा आर बुझल जे नहीं जेबाक चाहिए केहन जगह से आखिर लोके तो रहे जेते। तो ओहिठाम गेलों तो ओहिठामक जे वातावरण रहे, प्राकृतिक सौंदर्य, जनजीवन में जे विभिन्न अभाव लोग खेप रहा छे, और हमर बुझ सकै छी जे हम दारू पानी नहीं पीबे छलौं हां, ताश नहीं खेलाई छलौं हां, समय कटना है बड़ा दिक्कत, मतलब सामान्य जीवन जीवा हम सो कने असोकर जका बुझै छी वो तो खैर होइते छले। तो हम ई रचना के सहारा लेलौं, गीत गबे छलौं हां, तो ओहिठाम रेडियो नेपाल से कहियो सुनलौं जे मैथिली में सेहो गीत बजै छै, ओहिठाम आह्वान कयल जाइ छलै जे अहाँ अपन मातृभाषा में किछु गबै छी तऽ आउ। ई हमरा बड़ा एकटा ऊर्जा देलक रे, यद्यपि तहिया तहरा हम मातृभाषा तातृभाषा नहीं जानै छलियै, नीक लोक तऽ नेपाल में नेपाली बजैए, कनिक जे तहूसँ नीक भेल से हिंदी बजैए, जे तहूसँ नीक भेल से अंग्रेजी बजैए, है ना। तो ई सोच रहा, तथापि जखन मैथिली के बारे में सुनलियै तऽ एकटा दूसरे रंग से भीतर किछु भेल, मतलब नव ऊर्जा जकाँ हाँ, और सोचलहुँ जे नहि ओ वास्तव में लोभ रहै, रेडियो में गीत के बात लोग ठीक छै। तऽ ओहिठाम हम हाथ पैर भाजा लगलो मुदा कोना है नहीं, हमरा लग में गीत रहा किछु रहा, ओ एतेक दूर जे तहिया हमर दरमाहा रहा 700 टका, ओहिठाम के किराया लगभग रहे 900 टका, 700 नेपाली हाँ, मतलब जे जना नेपाली दवाली ऊपर दियो है ना। तो हमर दरमाहा से जोड़ा खाली प्लेन के किराया रहे, जब हम पैदल अबतिए दोसर उपाय वह चले जो बस पकड़ वाला जगह तक जब पैदल अबतो तो 15 दिन पैदल चल पड़े। तो अ तरह कहलो जे नहीं इस जे एकटा कोशिश कैल ना जाए, तो वह रेडियो में जे गीत सब सुनै छलिए ते आधार पर कहुना आखर जोड़लों, तो केहनो सन लिखा गेल, अखन कहै छी जे केहनो सन, तहिया तो बुझाएल जे बाप रे ई नहि भेल आ भेल जे बेस बहुत नीक कऽ सकै छी। तो वो नौकरी चाकरी करबाक क्रम में वस्तुतः हमला पहुँचल रही, जखन कनिक रचना दिस प्रवृत्त भेलहुँ ओहिठाम हमरा रहबाक नहि रहए, हम कनिक गीत संगीत में किछु करऽ चाहैत रही, अभिनय में अभिरुचि रहए तऽ काठमांडू आबऽ चाहैत रही, तऽ कहलहुँ जे नौकरियो नहि छोड़ल जाय, एकटा जखन प्रयास केलहुँ बदली करबाबऽ के तो ओहिठाम केओ कहि देलखिन जे ओकरा दूर होइ छै आ कनि बीमारो तिमारो रहै छै से कनि सुगम जगह में कऽ दियौ। तब बदली करऽ वाला के बुझलनि काठमांडू तऽ आओर जटिल हेतै, तऽ एकर घर लगक जगह छै जनकपुर ओहिठाम पठा दै छी, बेचारा ओहिठाम ओ पठा देलथि। तऽ तहिया तऽ हम माथ पर हाथ दऽ लेलहुँ जे हमरा पहुँचऽ के रहै कतऽ चलि अयलहुँ कतऽ, मुदा जैं कि एकटा अभिरुचि रहै तऽ ओहिठाम गेला के बाद हम खोजी पुछारी कयलहुँ जे एहिठाम कोनो नाट्य समूह संगीत कोनो क्लब ताहि तरहक होइ जैतहुँ, तऽ ओहि क्रम में भेटल मिथिला नाट्य कला परिषद। मिथिला नाट्य कला परिषद में जखन हमला वाला तस्वीर अहाँ किछु दिन पहिले जारी कयने छलहुँ, लिखने रही कि किछु करबाक क्रम में इहो कहियो कऽ लेने रही, शायद किछु एहने समय में लिखल छलै जी। तऽ शुरुआत जे छै से अहाँके एकटा स्थापित गायक के रूप में जे छै से अहाँके लोक चिन्हलक, लेकिन एकटा गायक सँ गीतकार, संगीतकार, पत्रकार, आलोचक, समालोचक केना ई सफर जहन शुरुआत भेलै आ मैथिली के चूँकि आन भाषा में अगर काज करी तो कमाओ भाषा ओकरा मानल जाइ छै, ओहिमे सँ किछु रिटर्न अबै छै, किछु रेवेन्यू पर्पस ओकरा लोक देखै छै, लेकिन अहाँ सब किछु करैत अगर मैथिली में कऽ रहल छी किम्वा अगर अहाँ मैथिलिये सँ शुरुआत कऽ रहल छी तऽ ओकर आलोचना जे छै से घरे सँ शुरू भऽ जाइ छै, ओ केहन समय छलैया और गायक सँ फेर एतेक विधा मे जे छै से केना अपना आपके अहाँ समेट कऽ रखल? जी बहुत रास जवाब आबय वाला प्रश्न भऽ गेल। आलोचना हमरा घर से एहि दुआरे हेबाक अवस्था नहि रहै जे हमर मोछक पम्ही नहि बैसल रहै हम कमाय लागल रही जी,
ठीक छे तो घर में तो भाई आलोचना किया लाइन धो ले लक हाँ ई जरूर रहे जे पढ़लक नहीं अखन एकरा पढ़वाक चले किया नौकरी करा लागल से मुदा ऐ सब प्रति कोनो किनको नहीं रहन अच्छा ऐ बीच में की भेले जाबत हम हुमला रही तो मैथिली से शुरुआत तो भले ही केलहुँ मुदा दृष्टिकोण अहाँ बुझिए लेने छलहुँ हँ नेपाली हिंदी सब पैघ तऽ हम गीत गबै छलहुँ हँ हिंदी लिखै छलहुँ हँ नेपाली और जखन रिकॉर्ड भेल तऽ किछु नेपाली में गीत गायब माने बड़का बात छलै तऽ एकमात्र रेडियो नेपाल तऽ ओहिठाम हम 4-5 टा गीत रिकॉर्ड करवा चुकल रही तऽ एक तरह हमरा कनि मनि चिन्ह लागल रहै लोक ओ नेपाली के जे एकटा बड़का फलक छै ताहिठाम सब तऽ ओतऽसँ हम जनकपुर अयलहुँ तऽ मैथिलीमे किछु किछु होइ छलैए अरे मैथिलिओमे होइ छै से देखलहुँ सुनील मल्लिक जी सब ईसब पहिनेसँ मिथिला नाट्य कला परिषदके एकमात्र गायक रहथि महेंद्र मलंगिया योगेंद्र शाह नेपाली ईसब मिलकर नाटकके निरन्तरता दऽ रहल छलथि तऽ हमर सुनलथि तऽ एना करू अहूँ गीत एहिबेर नाटकके तऽ सबटा रोलसब बँटा गेलैए तऽ गीत बड़ बढ़िआँ गीत हम पहिले बेर संजोगसँ हम आ सुनील जी तकरा बाद ओहिठामके समानान्तर जाय लगलहुँ तऽ गीतोके क्रममे एकटा धरि हमरा रहै जे गीत सेहो जे होइ तऽ किछु नया होइ नया एहि सेन्समे जे गौल्हे गीत अनके गायल गीत कतेक गायब किछु नव गीत बने ओ मञ्चमे प्रस्तुत कयल जाय तऽ सुनील जी जे गबै छलथि हँ हुनको हम एहि दिस कहलियनि जे हमसब एना करी किछु नया नया होइ आओर मञ्चपर सेहो जे आब आबि रहल छथि मनीष झा बौआ भाइ नहि कि मनीष झा बौआ भाइ गीत गेता ललित नारायण झा गीतकार आ फलना सङ्गीतकार पूरा ब्यौरा दऽ कऽ से तऽ एहिसँ की होइ छलै जे सब जुड़ल छथि हुनको सबमे कनेक ऊर्जा आबै छलनि हँ आओर हमसब एहि परम्पराके शुरुआत कयलहुँ आओर धीरे धीरे एकटा स्पर्धा जकाँ चलऽ लागल आ ई हमसब नियारे कऽ कऽ केने छलहुँ जे हमसब प्रत्येक मञ्चमे कमसँ कम एकटा नव गीत चाहे ओ अपना लिखी आनक लिखल कोनो होइ तऽ एहि तरहें प्रस्तुत करबाक जे क्रम शुरू कयलहुँ तऽ ओ कतौ ने कतौ रचनाकार बना देलक आओर हम कहलहुँ जे गायनसँ शुरू होइतो रचनाकार तऽ हम भऽ गेल रही वएह गीत लिखबाक क्रममे तऽ ओहूमे एक तरहक आत्मविश्वास जागि गेल रहै तकर बाद वएह मैथिली विकास दिवस रहै जाहिमे डॉक्टर धीरेश्वर झा धीरेन्द्र नेपालमे मैथिलीके स्थापित केनिहार वा बिया छिटनिहार हम कहै छी ओ व्यक्तित्व ओकर संयोजक रहथि तऽ हमरा कविता नामसँ कोनो चीज लिखऽमे कनेक डर भऽ रहल छलै कविता तऽ बड़का चीज होइ छै बड़का बड़का लोक सब लिखै छै नहि हम सोचै छलहुँ गीत माने अलग चीज छियै कविता किछु विशिष्ट छियै तऽ से तऽ हमर भातिज आ बहुत अभिन्न जकाँ मित्र धर्मेन्द्र विहवल ओ कहऽ लागल जोर देबऽ लागल हे लिखल खूब नीक लिख सकै छै एतेक बढ़िआँ गीत लिखै छह आ बढ़िआँ तऽ की हेतै ओहि समयके बड़ बढ़िआँ ओ कहलक हँ हम कहलियै नहि गीत तीत लिख लेब अलग बात छै हमरा कविता नहि लिखल हैत तऽ ओकर एकटा आदत कि अच्छा तऽ एना करै छियै हम लिख दै छियै तोहर नामसँ दऽ दै छियै नहि से तऽ नहि हैत तऽ ओ जखन बड्ड अथी कयलक तब किछु हम जोड़लहुँ तुकबन्दी आओर से जोड़ि कऽ हमहूँ बुझा देलियै तऽ 4 दिन पहिने ओ डेट फिक्स रहै जे एहि दिन तक कविता बुझा देबाक छै देखियौ कतेक व्यवस्थित ढङ्गसँ भऽ रहल छलैए बड़ बढ़िआँ कविता बुझायल गेलै आ जहिया वाचन करबाक छलै तहिया हाथमे आयल कविताके पुरजी तऽ अहीँके लिखल कविता अहाँ लग संशोधित भऽ कऽ मतलब कारीसँ बेसी लाल अक्षर रहै ओहिमे लाल मतलब संशोधन हाँ अच्छा डॉक्टर धीरेन्द्रके तऽ ओ जे एकटा कवितामे जे ओ लाल अक्षर सब रहै से हमरा लेल मैथिलीके पहिल पाठ्य सामग्री भेल अच्छा ई शब्द एना लिखल जाइ छै नहि किएक तऽ बजै तऽ छलहुँ हँ बुझै तऽ छलहुँ हँ मुदा लिखल कोना जाइ छै से वास्तवमे वर्णविन्यास नीक जकाँ नहि रहै बुझायल तऽ ओ एकटा कविताके आधारपर हम वर्णविन्यास देलहुँ मैथिलीके आ तकरा बाद कनि अभिरुचि जागल अरे तऽ धीरे धीरे आन देखऽ लगलहुँ अथी करऽ लगलहुँ
तऽ ओहिठामसँ हमर लेखन दिस सेहो कनि ध्यान गेल। साहब, चूँकि अहाँ सङ्गे बैसल छी, कोनो हमरासँ तऽ बेसी काल जे बैसै छी ताहिमे अहाँ सभ सन जे विभूति लोक छथि हुनका सभ सङ्गे बैसै छी तऽ म्यूजिकल हमरासँ बातचीत करै छी, तथापि आइ म्यूजिक नहि छै तऽ ओना छोड़ब तऽ नहि हम अहाँके। तऽ हम सभसँ पहिले शुरुआत करी, ओ जे लाल डेढ़ खिचल रहै ओ कविता कोन कविता रहै, अगर किछु अहाँके स्मरणमे अगर रहै तऽ दू पाँति अगर ओकरा गुनगुना दियै तऽ फेर। ओ गुनगुनाबयवला नहि अछि, तऽ ठीक छै, हमरा याद अछि। हम कहलहुँ जे तुकबन्दी रहै जे कठिन बड़ भऽ गेल ई जिन्दगीक रास्ता, पाइ केर आगामे लोक भऽ गेल सस्ता, एहि तरहक किछु किछु रहै, है ना। पूरा नहि मोन पड़ि रहल अछि मुदा शुरुआती दू पाँति मोन अछि। तऽ शुरुआत हमरा सभ कऽ चुकल छी बातचीत, तऽ चाहब जे जहन अहाँ जनकपुर आयल रही आ गायकके रूपमे पहचान अहाँके भेटले रहै, एकटा गीत तऽ हम ओहि समयके चाहबे करब, चूँकि अहाँके जे गीत छै ओ कतौ ने कतौ बहुत गोटा बहुत चीज पर कुठाराघात करै छै, अहाँके जे लेखन अइ, अहाँके जे शैली अइ, ओ अपना आपमे जे छै से सृजनात्मकके सङ्ग सङ्ग जे छै से विवादित सेहो छै किछु गोटाके लेल, रूढ़िवाद पर प्रहार सेहो करै छै बहुत। तखन तऽ हम चाहब जे किछु एहने चीज जे छै से देखियौ, शुरुआतमे हम एहिठाम नहि जा सकब जे ओहि समयके हमर गीत केहन रहै, मंच पर चलि जाइ छलैए, मुदा ओ वास्तवमे हमरा लगैए जे नवतुरिया सभके कोनो दिशाबोध देबयवला नहि छलैए। मञ्चमे कनिकाल झुमि जाउ से बड़ बढ़िआँ, यद्यपि ओहिमे साङ्गीतिक रूपसँ किछु नवीनता रहै छलैए, मैथिलपन रहै छलैए, मुदा शब्दके कोनो उद्देश्य नहि रहै छलै, कोनो गन्तव्य नहि रहै छलै, ताहि दुआरे ताहि दिस नहि जाय। मुदा ओही क्रममे जखन ओ कविता करेक्शन भेल, फेरसँ लिखऽ लगलहुँ, तऽ हमरा लगैए जे तीन चारि मासक भीतर हम अनकर सेहो करेक्शन केनाइ शुरू कऽ देलियै मैथिलीमे, एकटा एहि तरहके आयल। आ ई एकटा ई उत्साह देलक, अरे भाइ जखन भाषामे हमर ई पकड़ बनि रहल अछि तऽ आनो चीजमे बनाय, तऽ कविता लिखऽ लगलहुँ, गीतसभ लिखऽ लगलहुँ। तऽ ओहि क्रममे एकटा कनेक ठीक ठाक गीत ओहि समयमे लिखायल रहै, गामक गाम उजाड़ बनाओल, महल अटारी नहीं चाही, देशक खून आ गरीबक आहस भरल बखारी नहीं चाही, लाखोक धूर, लाखों आदमीक धूर, लाखोक धूर नीलामिक जन्मल, एक जिम्मेदारी नहीं चाही, हमरा अपन गरीबिये वरदान लगैए, हमरा अपन गरीबिये वरदान लगैए, हो हमरा मेहनत के रोटी पकवान लगैए, हमरा मेहनत के रोटी पकवान लगैए, हमरा अपन गरीबिये वरदान लगैए। कतेक प्रशंसा करी, चूँकि एहि गीतसँ हम परिचित जे छै से प्रायः तहिया भऽ गेल रही जहिया जे छै से हम हेलो मिथिलाके शुभारम्भ केने रही, हेलो मिथिला ओहि टाइम दिनमे जे छै से अबै छल, आओर ओहिके बाद जे छै से कहबे केलहुँ हँ, तऽ तखने अहाँके सुनलहुँ, आओर फेर किछु हम मैथिलीमे करी जी। जे हिन्दीमे एकटा स्थापित नाम भऽ गेल छल वहाँ कोलकातामे, बहुत कम झा छलथि हँ, ताहिमे हम एकटा झा रही, तऽ ताहि अनुरूपे आ युवा रही, हिन्दीमे काज करिते रही, लेकिन मैथिलीमे हम किछु काज करब आ ओहो मैथिली मीडियामे काज करब, तऽ ई चीज कतहु ने कतहु अहीँके जे छै से देख कऽ अहाँ छी, आ ओहिके बाद एकटा आओर नाम छथि मणिकान्त झा, तऽ ई दू गोटेके हम जे छै से आदरणीय मानै छियनि। आइ बड़ा प्रसन्नता भऽ रहल अइ, चूँकि हमरा विषयमे या बौआ भाइके विषयमे अहाँ हेलो मिथिलासँ बहुत बेर बहुत किछु बजलहुँ हँ, लेकिन आइ अहाँके सङ्गे बैसि कऽ अहाँके सोझाँ किछु हम अहाँसँ पूछि सकी, गौरवान्वित भऽ रहल छी हम। कनि हमरा सभके साहसो जेना जे छै से कऽ नहि पाबि रहल छी, तथापि एकटा धर्म निमाहि रहल छी। नहि नहि, बिल्कुल नहि, एकटा एकटा तऽ ई छै
जे हम सब मात्र कनी मनी बिया छिटलों और ओकरा नीक जका जन्म के सिंचन कर के ओकरा कमैनी कर के काज अहाँ सब जतेक ढंग से कर रहल छी व्यवस्थित ढंग से ओ वास्तव में हमरा सबके भविष्य के एकटा दिशा निर्धारण कर रहल अछि। हम सब बस छीट देलिए एकरा जे अहाँ सब मानै छी जे एहिसँ किछु भेटल तऽ ई हमरा सबके सौभाग्य अछि। निश्चित रूप से हमरा सबके लेल बहुत बड़का प्रेरणा छै और ई जे अपने के ईमानदारी छै से देखियौ गपो क्रम में किछु ने किछु ईमानदारी अलैए आ ओहि चीज के हम चाहब जे कनी अपने सबके अनुभव लेबऽ चाहब जे बड़ बढ़िया गप कहलियै जे हम जहन मीनात में जाइ छलहुँ हैं तऽ नवो लोक के गीत गबै छलहुँ हैं चाहे अपने लिखल गीत गबै छलहुँ हैं और ओकरा जे छै से एकटा विधिवत ढंग से गीतकार के नाम कहै छलियनि हैं संगीतकार के नाम कहै छलियनि हैं ओकर विपरीत अखन की परिस्थिति भऽ गेल छै। कविता क्यों लिखै छथिन गीत क्यों लिखै छथिन आ सोशल नेटवर्क एतेक अखन पसरि गेल छै अपना नाम से ओकरा प्रचारित प्रसारित कऽ लै छथिन मूल रचनाकार के छै से अधिकार के सेहो हनन भऽ रहल छै। एहि पर किछु अपने छै से हमरा सबके एकटा दिशा दर्शन दियौन हुनका सबके जे एहि तरहक जे व्यक्तित्व छै एहि तरहक काज कऽ रहल छथि देखियो वास्तव में साहित्य जे होइ छै ओ मोन से कैल जाय वाला खेती छै हृदय के खेती और ई बेईमानी वाला काज जे करैए ओ हृदयहीन लोक सब करैए ओहन के जहाँ कहै छियै जे हम किछु कही तऽ ओ व्यर्थ में समय बर्बाद करै छियै। हाँ एतबा छै जे ओ चोरायल चीज भऽ सकैए चोरायल सम्पत्तिसँ तऽ दू चारि साँझ अहाँ दारू पानी चला सकै छी या घरके रोजियो रोटी चला सकै छी मुदा चोरायल सृजनासँ अहाँके किछु नहि भऽ सकैए। एकर विपरीत एकटा हम ई देखैत आबि रहल छी जे सृजना जे होइ छै ओ ज्ञानके स्रोत सेहो होइ छै ओकरा जब परसबै जिनकर छियनि तिनके लऽ कऽ हुनका क्रेडिट दऽ कऽ तो मंच पर प्रस्तुति काल में ओकर वाहवाही अहीं के भेटत निश्चित रूप से है ना संगे एकर जड़ कत छै ओत्तो धर लोग पहुंचबाक प्रयास करते तो एते खाली परिवर्तन करू जे अहां वाहवाही लिया ओकरो श्रेय लिया मुदा मूल कत छै ओहू ठाम ओकरा पला दियो बढ़ा दियो रह दियो तो ई एकटा महत्वपूर्ण बात छै जे कि हम अहां त फेसबुक में एना पर सके हिसाब से कहलहुं हां हम मंचीय कार्यक्रम प्रस्तुति सभक संदर्भ में बहुत गोटे के देखै छियनि जे किनको कोनो कवितांश कोनो गीत वाचन कऽ देलहुँ आ किछु नहि बदलहुँ ओहिसँ ई बुझाइ छै जे ई हिनके होन। हाँ हम एहि चीजके सब दिनसँ हमरा लगमे अपन एकटा सीमितता भऽ सकैए ककरो ज्ञानके सीमितता भऽ सकै छै सृजनाके सीमितता भऽ सकै छै जरूरी नहि छै जखन हम मंचपर छी तऽ अपनेटा बात सबटा कही। ललित जी के कोनो रचना भऽ सकै छनि जे हमरा प्रभावित केने हुए ओहिठाम सान्दर्भिक बैसैत हुए जँ हुनका हम ओहिठाम श्रेय दऽ कऽ ओहिठाम प्रस्तुत कऽ दै छियनि तऽ मञ्चमे तऽ हमरे प्रस्तुति ने बाबा बिल्कुल निश्चित 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 हिनकर जे तत्काल तऽ जनसमक्ष अपने छिए तऽ ई एते जे बुझि जाथिन तऽ हुनका चोरी करैत रहबाक जरूरत नहि रहतनि चोरी सँ बेसी हुनका लाभ ओहिमे भेटतनि। और इएह कारण छै जे हमसब जे छै से मैथिली के जते गीत सुनै छी और ओहि काजसँ भैया के कहब छनि उत्तरवारि टोल आ दक्षिणवारि टोल उत्तरवारी मिथिला और दक्षिणवारी मिथिला उत्तरवारी मिथिला से ईमानदार प्रयास हरदम सुनैत रहलहुँ हैं अबैत रहल हैं सुनबामे जे ई गीत जे छै से डॉक्टर राजेंद्र मिवल के छनि तऽ ई गीत जे छै से सियाराम झा सरस के छनि लेकिन एहिठाम ई कनि संवेदनहीनता बेसी छै जे हम जे परिवेशमे रहि रहल छी ओहिठाम चीज हमरा बेसी देखबामे आबि रहल अछि। तऽ एहिपर अपनेके बहुत नीक सन्देश छलए आ हम उम्मीद करै छी जे केओ व्यक्ति हमर कार्यक्रम देख रहल छथि ओ एहि चीजसँ सीखलथि और एतेक कनि हृदय परिवर्तन जरूर करथि अपन संवेदनाके कनि जगबथि और जे छै से संकीर्णताके कनि त्यागथि। बिल्कुल बिल्कुल और हमरा कखनो कालके बड़ा कष्ट होइए जे सियाराम झा सरसके अहाँ नाम लेलहुँ ओहन व्यक्तित्व एहिठाम लगभग या तऽ गौण छथि या तऽ जतेक हुनका प्रकाश भेटबाक चाहियनि ततेक नहि भेट पाबि रहल छनि और हम और सुनील जी दू गोटे विशेष कऽ कऽ हुनकर गीत सब हमरा लगैए जे 50-50 गीत हमसब गौने हैब। हाँ बेसी नीक लगैए हम अपनो गीतकार छी नेपालमे डॉक्टर राजेन्द्र विमल सन गीतकार छथि दिगम्बर झा दिनवर सन गीतकार सब छथि तऽ गीतक अभाव नहि छै मुदा विशिष्ट गीत कतऽ भेटत विशिष्ट सन्दर्भक लेल उपयोगी गीत कतऽ भेटत हमसब ओकर तख्तियान करै छी आ ओ चाहे जिनकर होनि मानि लिअ ई तऽ
देशे अलग छै, ओहिठाम तऽ सरस जी के सबटा कहि लेबै जे ई हमर अपन छी, तैयो केओ रोकर टोकर नहि जायत, है ना। आ लगभग लगभग कतेक संदर्भ में एहनो भऽ जाइ छै जे लोक के धोखो भऽ जाइ छनि, जे बहुत रास विषय के लऽ कऽ जे कहीं हिनके तऽ नहि होइन, तऽ ओ पचबऽ के सामर्थ्यो लगभग लगभग भऽ सकैया, तखन जखन ओ नहि करै छियै तऽ एहिठाम अहाँ सब अपने देश मे अपन लोक के चीज किया करै छी। सच पूछी तऽ सियाराम झा सरस के जहन चर्चा होइ छनि तऽ सस्ता जिंदगी महक सिनूर के जे ओ गीत छै जे फूल झेर झेर अहाँ के हर श्रृंगार करिए, आम जनमानस जे छै जे साहित्य संगीत मे जे गूढ़ जिनकर जे छै से रुचि छनि हुनका तऽ ओ चिन्हार, हुनका लेल ओ जे छै से आँखिगर छै, चिन्हरगर छै, लेकिन आम जनमानस जे छै तखन हुनका जनलकनि हँ जखन ओ फूल झेर झेर अहाँ के श्रृंगार, मतलब एहन तरहक जे छै से युवा वर्ग जे छथि या जिनका कने हसियो ने सजनी तऽ सियाराम झा सरस के गीत नहि छियन हमरा शायद, नहि कोनो एस के चौधरी कहि कऽ किछु लिखल गेलैय। अच्छा, हाँ, सियाराम झा सरस के ओ गीत हिट भेलै ओकर संगीत पक्ष आदि इत्यादिसँ, मुदा शायद नहि भऽ सकैए, तहन भऽ सकै छै, हम शायद ई हमरे जे छै से अथी नहि हैत, हमहूँ जे पूरा एहिठाम जे खण्डन केलहुँ हँ पूरा बहुत भरोसगर ढंग सँ नहि केलहुँ हँ, नहीं शायद अही अही सही है, शायद अही अही जे छै से बिल्कुल बिल्कुल। अइ के बाद जे छै से फिर हम कनेक एकरति आगा बढ़ी और हेलो मिथिला के विषय में जे छै से हमरा सब अब बातचीत कने मतलब ओइ ठन से करी, चूंकि हेलो मिथिला जे छै से कतौ ने कतौ गीत संगीत जे छै से तो अथी केबे केलकै और हमरा जनतबे मैथिली में पत्रकारिता के कतौ ने कतौ जे छै से एकटा डिजिटल माध्यम से जे छै शुरुआत जे छै से हमरा जनतब वएह ठन से भेलै, तऽ केहन सोच छलै आखिर हम एहन तरह कोनो एकटा प्रोग्राम करब, बहुत रिस्की प्रोग्राम छलै, अहाँ कतौ आधा घंटा के टाइम स्लॉट लेने हेबै या बा ओकरा तैयार केने हेबै, ओकर ओहिमे जे छै से कोनो अगर स्थापित चैनल छै या रेडियो छै तो अहाँ प्रोग्राम से पहिले अपन व्यावसायिक दृष्टि देखैत हेतै जे एहि प्रोग्राम से हमरा की रिटर्न जे छै से एहिठाम से भेटत, तऽ केहन समय छलै ओ। हम नेपालक जे सरकारी रेडियो छै रेडियो नेपाल, ताहिठाम समाचार वाचन कयल करी मैथिली के, हिंदी के आ नेपाली के, मुदा औपचारिक प्रकृति के ओ कोनो चीज ओतेक प्रभाव नहि दऽ रहल छलैए, मैथिली मे समाचार पढ़ितो छलहुँ हँ, ओकर कोनो सकारात्मक प्रभाव एहि दुआरे नहि होइ छलैए जे ओकर कंटेंट जे रहै छलै बड़ा प्रायोजित प्रकृति के रहै छलै। तऽ नेपाल मे जखन FM सबके दौर शुरू भेलै तऽ हमर एक तरहक पत्र पत्रिका मे बेस लिखऽ लागल रही, अखबारी लेखन ओ खूब हमर चलै छलै, तऽ आ रेडियो के आदमी सेहो रही, तऽ जखन FM रेडियो सब शुरू भेलै तऽ ओहिठाम हमरा प्रस्ताव कयल जाय लागल, तऽ एक आधटा करेंट अफेयर सब चलेबो करी, मुदा हमर ई रहै जे बहुत मित्र सब सेहो रहथि रेडियो खोलने, शुरुआती क्रम में 4-5 मात्र रेडियो रहे तै अंतर्गत से हो, तो हम आग्रह करियन जे एना करू ना मैथिली में एकटा कार्यक्रम चलबितौं तो बड़ा, तो सब कहि छलखिन जे मैथिली में कार्यक्रम ई तो बड़ा शायद नहीं चलत, एना करू ना नेपाली में बाज कऽ आ मैथिली के गीत नाद आदि इत्यादि परसबाक हिसाबे करू, तो हमरा कियाक नहीं किया लगे छलै जे वार्ता संवाद जे होइ छै बातचीत जे होइ छै ओ लोक के मोन धरि पहुँचै छै, वएह नहि रहत तऽ गीत तऽ ओहुना बाजि सकै छै बाजैत रहि सकै छै, तऽ हम ओहि लेल तैयार नहि भेलहुँ। तऽ अपना के बहुत रासे प्रगतिशील कहनिहार हमर मित्र सब जे मैथिली मे शुरू करी ताहि लेल नहि तैयार भेला, जे ई करबै फेर भोजपुरी वाला काल्हि कहत, काल्हि कोनो तामांग भाषी कहत तऽ हमरा सबके दिक्कत भऽ जायत, तो हम कहि छलियै ओहि लेल अहाँ किया जायब, अहाँ कोनो सरकारी रेडियो छी जे सब प्रति अहाँ के दायित्व निर्वाह, अहाँ अपन व्यावसायिक अथी देखू आ हम से विश्वास दियाबऽ चाहै छलियै, मुदा नहि भेला। होइत होइत एकटा रेडियो नेपाले के एकटा मित्र कोनो FM स्टूडियो मे FM रेडियो मे मैनेजर भऽ कऽ गेला, आ हुनका संगे हम सामान्य चर्चा मे जे केने रही तऽ अचानक एक दिन ओ फोन केलथि, धीरेन्द्र जी एना करी अहाँ जे कहने छलहुँ से बात हमरा ठीक लागल है तऽ शुरू करै छी। तऽ एकटा एहन रेडियो रहै जे केओ नहि सुनैत रहै, ओ तिब्बतियन म्यूजिक ओहिमे बाजैत रहै, HBC FM कहि कऽ रहै, काठमांडुओमे नीक जकाँ लोक नहि सुनै, हमरा ताहिसँ नहि रहै सरोकार, हमरा रहै पता नहि किया कहियो कालके ओ
जे सिक्स सेंस जे कहित रहे छे से जे यदि हम मैथिली में किछ करबे त ई में एतेक रास चीज छे हम विभिन्न साहित्यिक अभ्यास सांगीतिक अभ्यास से जे गेल रही त एकटा आत्मविश्वास बढ़ गेल रहे जे में ई सामर्थ्य छे जे जन लोक तक पहुँचते तो ओकरा लोक हपैस कर लेत बस शुरू केलो बड़ा जटिल प्रक्रिया रहे बहुत दूर रहे तहिया रिकॉर्डिंग सिस्टम सब एकदम दूसरे दूसरे तरीका के रहे तो एक घंटा के कार्यक्रम शुरू भेल सप्ताह के वो कार्यक्रम करवा में 6 घंटा 7 घंटा लग जाए छे टेक्निकली अथी के कारण हमरा लग में गीत संगीत बहुत रास नहीं छे तो वो शुरू भेल शुरू में दिन में व भोर में 10 बजे से 11 बजे के समय भेटल तो सामान्यतया जना की भेले 1-2 सप्ताह बीतले तो लोक में जखने वो रेडियो के कनेठी दैत काल मैथिली पड़े वो वही ठाम ठहर जाए कौन रेडियो छे तैसे नहीं पहिने वो मैथिली सुने तकरा बाद रेडियो चिन्हे तो होत होत करीब मास दिन के भीतर में काठमांडू के जनमानस बीच मैथिल जनमानस बीच वो परिचित कार्यक्रम भ गए काठमांडू में पिछला समय में काफी लोग रहे छे तो ऐसे वो मित्र एतेक उत्साहित वाला जे ओकरा प्राइम टाइम में धा देलखिन साँझ 7 बजे से 8 बजे जे कि काठमांडू के संदर्भ में सबसे उपयुक्त समय छे हमरा लगे आनो ठाम के लिए बेसी उपयुक्त समय छे तो वो वही समय में जखन गेले तकरा बाद बुझू जे दूसरे तरह का अवस्था भ गेल हमरा सब के घरक फोन स्टूडियो के फोन ये सब सारा व्यस्त होवे लागल जे मैथिली में ना 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 तो वो काठमांडू धरि सीमित रहे तो ठीक वही समय में रेडियो कांतिपुर जे छे तहिया कांतिपुर FM मात्र कहल जात रहे ओकर प्रसारण पूर्वांचल में एकटा स्टेशन अथी क पूर्वांचल भरि सुनेबाक हिसाबे शुरू भेल पूर्वांचल माने नेपालक पूर्वी क्षेत्र जाहिमे इम्हर बिहार दिस के नेपाल दिसक सारा मिथिलांचल सेहो पकड़ा जाइ छल ओ जखन गेलै तऽ हमरा लागल कनिक मोन बढ़ल जी ई तऽ छै काठमांडू में सुना रहल छी तऽ असल हमर जगह नहीं छी हमरा तऽ अपन लोक धरि पहुँचबाक अछि तो बहुत बड़का कांतिपुर एकटा पब्लिकेशन जे छै से बहुत बड़का तो हुनका सबके प्रस्ताव देलियन तऽ वएह अरे एना ओना ओना एना करू ने अहाँ तऽ नीक एकटा रेडियो कर्मी छी हे तऽ नेपाली में चलाओ भऽ गेलै अहाँ के हम अहाँ अनेको कार्यक्रम दऽ देब एहि सबके चक्कर में नहीं रहू हम कहलहुँ नेपाली में हम कहिए रहल छी हमरा ओहि प्रति कोनो खास नहि अछि ई देब तऽ बड़ बढ़िया तऽ ओ सब समय लगेलथि हम जे रेडियो में चला रहल छलियनि कहलियनि जे ई सुनू एक बेर कमसँ कम ओहि प्रति लोकके जे रिस्पॉन्स छै से देखियौ तऽ ओ सब सुनलथि तकरा बाद शायद बुझायल हेतनि तऽ करीब 3-4 महीना बाद निर्णय देलथि और शुरू भेल तऽ हमरा लगैया पहिले दिनसँ काफी बढ़िया लोग के ओहिमे सहभागिता भेटल और किछ समय के बाद 3-4 महीना के बाद तो वो रात के समय में चल आयल 9 बजे से 11 बजे राति धरि और तकरा बाद निरंतर लोकक जुड़ाव शुरुआती समय में बहुत बेसी रहे और हुनका सबके व्यावसायिक रूपे से हो आइ धरि 16 साल बीत गेलै एकटा स्पॉन्सर रमपम चौचौ नेपाल में एतेक लंबा समय तक कोनो एकटा प्रोग्राम के एकेटा स्पॉन्सर नहीं रहलै है से एकटा गौरव हेलो मिथिला के छै भेटल जहन हेलो मिथिला के बात होइ छै भैया त हेलो मिथिला से जे पहिल गीत सुनल गेल छै या सब के मतलब हर मैथिल के दिमाग में सेट छै ओ एकटा गीत छै जे जकरे बनाल डाला अपन भथिया से देवतो पितर पूजाय छै कहू यो बाबू तैयो किया देहर हमर छुआय छै ओ गीत लेखन अपने के छे आ ओई गीत के जे एते सुंदर शब्द में सजेने छिए ओ गीत यदि हमरा से सुनेबे तो हम सब छे से अपना के उपलब्धि बुझबे साक्षात करके दौरान ई बाद में बनल गीत है चलो मिथिला से पहले लोकप्रिय भेल गीत सब के सार रहा तो सामाजिक सरोकार के हम अपन लेखन के सब दिन सब विषय बनबैत रहलौं हां जहिया जे संदर्भ देखलिए हमरा लगे या लेखक के ओय में बजबाक चाहिए तो ई रहा रूपा जी केने छथि रामा मंडल एकर ट्यूनिंग सेहो हम केने रही और शब्द अपने के छै हमरे डाला पन पथिया सा
हमरे डाला पन पथिया सा देवतो पितर पुजाई छे, देवतो पितर पुजाई छे, कहू यो बाबू तैयो हमर देह इकिया छुआई छे, कहू यो बाबू तैयो हमर देह इकिया छुआई छे। तो अपना सबके समाजे में वास्तव में संस्कृति में अई ढंग से ही जातीय समीकरण के मिला कर राखल गेल मुदा व्याख्या कतौ ने कतौ गड़बड़ कह के हम सब जे प्रेम के बात छे तकरा घृणा में बदल रहल छे। ओहिठाम से मेहनत हमर चले छे सगरो मुदा चले नहीं पानियो, मुदा चले नहीं पानियो, हमरा आहा में छोड़ गरीबी अंतर की नहीं जानियो, अंतर की नहीं जानियो, हमरे दूध आजात पीच सा हो, हमरे दूध अजात पीच सा अहूक ने ना पोसाई छे, अहूक ने ना पोसाई छे, कहू यो बाबू तैयो हमर देह किया छुआई छे। इस तरह बात सब छे। एक रूढ़िवाद पर कहियो जातिवाद पर एक प्रहार छे जे समाज में हमरा जन जे समाज में जे हम सब वर्गक लोग एक छी ओहिठमान कोनो न कोनो कारण से जे छे से छुआछूत के जे भावना छे। बिल्कुल बिल्कुल देखियो एमे वास्तव में वो गरीबी जे छे ओकरे मूल रूप से हम ई देखै छी जे आधार बनायल गेलै जे गरीब के और कोना अहाँ दबा सकै छी, कोन कोन अस्त्र भ सकै छै। ठीक छै, तऽ कहियो जाति के नाम पर कह देलिए, कहियो धर्म के नाम पर कह देलिए, नहीं किछु पार लागल अहाँ के जाति आ परम्परागत रूप से एकेटा छै तऽ ओहिठाम डाइन कह देलिए, कहियो दोसर कह देलिए, तऽ ई सब अस्त्र सब छै, अस्त्र सब बौकार सबक अस्त्र सब समाज के फुटबा के जे बिल्कुल बिल्कुल मुदा मुदा ई एहि गीत में जेना छै हमरा लगैए बहुतो ब्राह्मण एना एहन हेता जे जिनका चमाइन कहल जाइ छै ओ वास्तव में प्रसव काल में जे सहयोगी होइ छथिन हुनकर दूध पी कऽ बहुतो गोटे पोसायल हेथिन। हमरा लगैए जे हमरे गाम में एकटा नथरी माय रहे तऽ जखन ओकरो बच्चा भेल रहे दोसरो कोनो महिला के बच्चा भेल रहे छलै तऽ एकरा पिया दै छियै तऽ ओहि चीज के एहि ढंगे जखन एक तरह कलंकित कैल जा रहा है दूध के तो ये हमरा लगे जे बहुत पैघ मानवता के अपराध छी। ओके बाद फिर हम कनी आप मैथिली पत्रकारिता जे खांटी पत्रकारिता छे तै दिशा दिस तै दिस हमरा सब जे छै से अभी किछ पहले बातचीत सेहो हमरा सब ए विषय पर केने छलौं। मैथिली में हमरा जनतब है चूंकि अहाँ के तो बड़ पैघ जे छै से अनुभव रहल है कार्य क्षेत्र सेहो बड़ विशाल रहल है तो मैथिली में हमरा जनतव्य जे छै से व्यावसायिक पत्रकारिता नहीं भेलै अखन तक जे भेलै है ते में बहुत हद तक जे छै से गीत संगीत कविता कहानी या फिर ओतहिए तक रही गेलै। हम दुनू दिस का बात कर रहल छी एमरो उमरो उत्तरबारी भाग दक्षिणबारी भाग जे कोनो एहन एकटा स्टोरी अबै जे सरकार तक के सोचबाक लेल मजबूर करे। भाषा कोनो होइ भाषा बहुत बेसी प्रभाव ओहि दुआरे नहीं पड़ै छै जे चूँकि हम चाहे वो बाबा विद्यापति के लिए या फिर ओहिके बाद हम रविन्द्रनाथ ठाकुर के देखियन या फिर डॉक्टर कुमार विश्वास जे छै से हुनकर एकटा चीज हमरा बड़ा नीक लगैए जे विश्व के दूटा एहन जे छै शख्सियत एकटा शकीरा और एकटा रिकी मार्टिन जे दुनू अपने मातृभाषा में गबै छथि लेकिन पूरा विश्व के जे छै से अखन सबसे मतलब लेजेंडरी या लीडिंग स्टार छै तऽ तें अगर अहाँ के कंटेंट में दम छै हाँ मैथिलियो में लिखबे तो वो काठमांडू तक जेते और वो दिल्ली पटना तक जेते तो ऐ चीज के कमी रहले है। आखिर किया कमी रहले है ई एक टा प्रश्न आ दोसर प्रश्न ई जे मैथिली पत्रकारिता के व्यवसायिक केना बनायल जाए। एक टा तो हमरा लगे सारा बात अहाँ अपन प्रश्न में कह दिलिए जवाब के खासे कोनो गुंजाइश नहीं छे तो ई जरूर छे जे मैथिली में विभिन्न नाम पर गीत संगीतक नाम पर पत्रकारिता के नाम पर फिल्म के नाम पर लोल बेसी भेलैया, लोल बेसी पूरा कैल गेलैया।
वह काज बहुत कम भेलैए। और पत्रकारिता तो हम ई कहब जे मैथिली पत्रकारिता भेबे नहि केलैए आइ धरि। मैथिली भाषा में किछु किछु लिख लेबाक छापि लेबाक काज सब होइत रहलैए, मैथिली पत्रकारिता बहुत कम भेलैए। अब ई फेर हमरा बेसी कहल जकाँ भऽ जायत जे भेबे नहि केलैए किया तऽ एकटा हमसब एकटा टेलीफिल्म बनेने रही जेकि हमरा लगैए जे समग्र मैथिलीमे पहिल टेलीफिल्म होयत मिथिलाक व्यथा, जकर संजोगसँ तथाकथित हीरो हम रही। ओहिठाम ओहिठाम एकटा पात्र जमींदारके ओहिठाम पात अबै छै तऽ ओकर एकटा चमचा कहै छै मालिक एम की जे अपन महावीरी झंडा बनल है, एहन झंडा तो सौंसे संसार में कतौ नहीं होते। तो मालिक कहै छै सौंसे संसारक महावीरी झंडा तू देखने छहक। तो वास्तव में सबटा मैथिली पत्रिका हम नहीं छी देखने, नहीं छी अध्ययन केने, ते द्वारा कनेक बेसी भऽ जात। लेकिन सामान्यतया जे दृष्टिपथ पर अबैया ते में ई बुझाइ छै जे मैथिली पत्रकारिता नहीं भेलैया। तो मैथिली पत्रकारिता करू जै में मिथिला के संवेदना होए, मिथिला के मुद्दा होए, मिथिला के आँखि से देखियो और मिथिला के दिल से सेहो सोचियो, और वो चीज जखन जेते तकरा बाद हमरा लगैए आन ठाम सेहो सोचले जे बात हेतै। जखन अहाँ ओकरे आँखि से एकरा देखऽ लगबे, ओकरा खाली देखेबाक हिसाबे, तो तखन मूल मुद्दा से अहाँ भटक जायब। मानि लिअ साहित्य में जे किछु भेलै, गीत कविता भेलै, ओ नहि भेलै से वाला बात नहि छै। एकटा इहो बड़ा महत्वपूर्ण बात छै जे मैथिली साहित्य के निरंतरता देबऽ वाला, विभिन्न प्रयोग सबके एकटा जगह देबऽ वाला बात फिर ओहने पत्रकारिता भेलैए। तऽ एकर एकटा फूट योगदान छै, स्थान छै। मुदा आई के संदर्भ में जे पत्रकारिता अपेक्षित छै, जे मिथिला के एकटा विशिष्ट दिशा दितै, से नहि भेलैए। ठीक छै। मंच पर जते काल अहाँ रहै छी तते काल पैरोडी नहि होइ छै, या फिर अहाँके ई मानव अछि जे किछु हम करब, जँ हम सृजनशील छी तऽ सृजनात्मक जे शैली छै उएहमे किछु होइ। लेकिन बहुत गोटा, या कही जे अखन जे एकटा नया ट्रेंड बनलैए या नया जे बाट पर लोक सब चलला है, सहज रूपसँ जे छै से अपना आपके स्टारडम पर देखैके जे कोशिश छै, ओहिमे किछु लिख कऽ किछु गाबि कऽ जे छै से मैथिली वंशके बात कऽ रहल छी, ओहिमे जे छै से तऽ की लागैए जे एकरा दूर काल तक याद कयल जायत? आ चूँकि अहाँ तऽ जे मंच पर रहै छी ताहि मंच पर ई चीज हेबे नहि करै छै, जे नव तुरिया छथि, जे नव उमेरके छथि, हुनका तऽ लोल भऽ सकैए, लेकिन जे स्थापित लोक छथि जिनकामे जे छै से संगीत कुटि कुटि कऽ भरल छनि, अगर हुनको फेर ओतेक जे छै संगीतके ज्ञान रहलाके बाद जब वएह ट्रैक पर आबऽ पड़नि, तऽ फेर एकरा कोन तरहें देखै छी? देखियौ, ई पता नहि आत्मविश्वासक कमी जकाँ बुझि पड़ैए। बुझाइ छनि जे हम शायद किछु नहि छी। बहुत रास कलाकारके हम एना देखै छी जे पर्याप्त सम्भावना छनि, पर्याप्त क्षमता छनि, मुदा मंच पर चढ़ऽसँ पहिने हुनका चढ़बऽ पड़ै छनि ओ आत्मविश्वासके जगाबऽके लेल। तऽ वएह आत्मविश्वास जखन नहि रहै छै तऽ ई जखन लत्ती जकाँ आत्मविश्वास तऽ चढ़बै तऽ एकटा कोनो ने कोनो चीज अहाँ पकड़ऽ पड़त, कहियो बोतल पकड़ऽ पड़त, कहियो पैरोडी पकड़ऽ पड़त, जखन कि अहाँमे अछि ओ क्षमता, ई पहिने जगबियौ। दोसर बात, मैथिलीमे करै छी बेसी गोटेके हम ई देख रहल छी जे मैथिलीके मात्र लतमारा बनेने छी, जे कहुना कुदकि कऽ ऊपर चढ़ि जाय। ठीक छै, मैथिली लतमारा टा वाला चीज नहि छियै। मैथिली गंतव्य जखन अहाँ बनेबै तकरा बाद अहाँ किछु सोचि सकै छी जे हमरा कतऽ जेबाक अछि, कोन तरहे चलबाक अछि। तऽ जखन लतमारा बनबै छी तखन तऽ जेना कूदि फानि ली, तऽ ई एकटा समस्या, भारी समस्या छै। एहिसँ मैथिलीके तऽ प्रगति नहिए भऽ रहल छै, आ अहाँ सब दिन ओ बानर जकाँ कूदिते टा रहब। यदि मैथिलीके अहाँ लतमारा बनेबै, या तऽ शुरुएमे छोड़ि दियौ, संसार बड्ड पैघ छै, वएह मिथिलाके कलाकार सब, साहित्यकार सब विश्व मानचित्र पर अपन एकटा विशिष्ट स्थान बनेने छथि, लक्ष्य अलग छलनि हँ, मुदा ओहि लेल मैथिलीके नहि लतखुर्दन करियौ। ठीक छै, ओ जखने करबै तऽ अहाँ अपना तऽ कहियो नहिए स्थापित भऽ पायब, मैथिलियोके नुकसानिए करबै। एकरा बाद जे छै से बौआ भाई किछु प्रश्न लेता, लेकिन ओहिसँ पहिले जे छै से इएह प्रसङ्गमे कनि किया नहि जोड़ दिए, आमिल पी कऽ पुछलनि ओ एकरा कनि गुनगुना देल जाय। आमिल पी
पीबैत वास्तवमे मिथिलाके जे नारी छथि सृजनशीलताके भण्डार छथि, मुदा ओ एतेक रहस्यात्मक होइ छै नारीके संवेदना सेहो, जकरा हमरा लगैए कोनो पुरुष नहि बुझि सकैए, बुझबाक दावा भले ही जतेक कऽ लिए नारीके विशिष्टता फैलावट एहि चीजके लऽ कऽ छै। आमिल पीबैत कहलनि ओ छोड़ू हमरा परतारुने, बज्जर भागेल मोनक धरती, बज्जर भागेल मोनक धरती, चासे बिना समारुने, आमिल पीबैत कहलन ओ अंतरा से, हो ओना त हम ही जनक दुलारी, हम ही राम पियारी छी, तोहु सबढ़ का लव कुश सन बंका बीरक महतारी छी, प्रेम सृजन शक्ति कहबै तो असल में अबला नारी छी, तही सजीवन उल्टी में टप टप चुवत एक चारी छी, छोड़ू कहू ना चोख्याल घावक खैठी एना उदारुने, आमिल पीबैत कहलन ओ छोड़ू हमरा परतारुने। अहिमे अंत में इहो कहै छथिन, पुरुष के तऽ बड़ बड़ दाबी रहै छनि, ओहि दाबी में कहै छथिन बिनी जुटियो ने प्रेमक खुहरी, बिन जुटियो ने प्रेमक खुहरी, झूठे आँच पजारू ने, आमिल पीबैत कहलनि ओ छोड़ू हमरा पर दारू ने। की जे संकलन रवि जे कतौ तक अहाँके नजर अछि और कते जकरा स्मरण में रखने छी, बहुत सुंदर। और हिनकर जे छनि गीत होइ छनि भैया के, तो निश्चित रूप से सब गीत में किछु ने किछु संदेश रहै छै। बिल्कुल। आ देखियौ जे ई नारी के प्रति जे अपन उद्गार व्यक्त केलखिन हैं गीतक आखिर में, ओकरा छै वास्तविक जीवन में सेहो जे छै ओकरा आत्मसात केने छथिन जी। और हमरा सबके समक्ष एकटा जे छै से हमसब बहुत दिन तक भ्रम में छलहुँ हैं जे कांतिपुर एफ एम जे हेलो मिथिला कार्यक्रम छै ओहिमे धीरू आ रूपा के जोड़ी, ई तऽ चलू जे छै साहित्यिक जे छै जहिया से हमरा सृजनता आयल और हिनका सबसँ जहिया प्रेरणा भेटल है तकरा बाद बुझबा में आयल, बहुत दिन तक भ्रम में छलहुँ हैं जे धीरू अलग छथिन आ रूपा के संचालिका छथिन, हालांकि इहो छै से एफ एम पर कोई स्पष्ट नहि केलखिन जे हमर सहधर्मिणी छथि, लेकिन जे जहन हम साहित्यिक हिनकर पढ़ल लगलहुँ तऽ हिनकर एकटा पोथी बहुत नीक गीत संग्रह छै, जँ अवसर भेटै तऽ हम निवेदन करबनि सबसँ अपन श्रोतासँ सेहो जे कोन सुर सजाबी, जाहिमे जतेक हीरा गीत छै जतेक संदेशवला गीत छै सब गीतक एकटा नीक संग्रह छै, बहुत नीक संग्रह छै। ओहिमे जे छै से हिनकर अपन जीवन वृत्तान्त छनि जकरा आहे माहे कऽ कऽ ओकरा जे छै से शीर्षक देने छथिन, ओहिमे हम देखलहुँ तहन हमरा पता चलल जे रूपाजी हिनकर सहधर्मिणी छथिन। तऽ भैया ई तऽ सबसँ बड़का हमरो सबके एकटा गर्वके विषय छै जे मैथिली पत्रकारितामे अपने कहबे के लिए जे काज भेबे नहि केलैए या सम्भवतः भेबो केलैए भऽ सकै हमर नजर कतौ नहि पड़ल है, दुनू बात अपने स्पष्ट कऽ देलियै, एहन विषम परिस्थितिमे जतऽ काजे नहि भेलैए ओहिठमा एकटा महिलाके जैसे हमरा सबके सोझा एतेक उच्च स्तर पर जे छै से मैथिली पत्रकारिता के अनलखिन हैं जे एफ एम के संचालिका छथिन रूपा जी, हुनका जे से अपने केना प्रेरित केलियनि या हुनकामे कोन एहन विशेषता देखलियनि जे हमरा सबसँ जे से सोझ के जोड़ देलियनि हुनका? देखियौ ई एकटा बड़ा गजब चीज छै जे मिथिला के माटि मे ठीके सृजनशीलता कुटि कुटि के भरल जे कहल जाइ छै तऽ तै तरहक अवस्था छै, और ओहि सृजनशीलता के संवाहक सब दिन सँ
मैथिल नारी सब रहा के लिए ठीक से हम एकटा काव्यांश बेर बेर कहल करै छी जे मानैत छी जे अखन नहि इस दुनिया के भूगोल में तैयो हम सब बचा के रखलहुँ जकरा माइक बोल में सोहर लगनी जटा जटिन की झिझिया साँझ पराती में एक हकटा मिथिला जीवैया एक हक मैथिल छाती में तो ई छाती में मिथिला के जीव लायक वातावरण देनी है के जननी स्त्री और ई जे सांस्कृतिक जे संदर्भ सब के हम चर्चा कलौं हं तकरो मूल रूप से वह सब और दोसर ओ रूप जे की धरती से बहुत गंभीर रूपे जुड़ल छथि किसान मजदूर ई वर्ग वो सब लोक गाथा से विभिन्न आन तरहक लोकगीत से तो उस सृजनशीलता अगाध छै हे तथापि कतौ न कतौ ओ आत्मविश्वास पर जे छे एक तरहक कुहेस लागल छे झपायल छे ओकरा कनेक दौर देखा देबाक छे सूर्यक हमरा लगैया मिथिला में 90% नारी कोनो न कोनो विशिष्ट प्रतिभा के लक आगा बढ़ सकै छथि नारी मात्र नहीं पुरुषो त हमरा सबके ई दायित्व सेहो बनैया जतब पार लागे जिनका में जे क्षमता छन ओइसे कनेक ओ धुरा गर्दा के झाड़ दिए आगा आब के लेल प्रोत्साहित करी तो हमरा लगे एमे हम बड बेसी किछ नै छी केने ओतबे टा केलहुँ और ओ हुनका में छलन है और ए चीज के लक ओ एलैत अपना जे केलैत नै केलैत हमरा लगे या जे बाद वाला पीढ़ी के किछ मार्ग सरल जरूर बना देल निश्चित रूप से ई एकटा महत्वपूर्ण बात छै तो ई एकटा रूपा जी के अपना संदर्भ में रहलन और हुनका कारणे हमरा काफी सहयोग भेटल है हेलो मिथिले के मान लिया एतेक लोकप्रियता भेले हमरा लगे जे रूपा नहीं रहता तब पता नहीं हेलो मिथिला से ओ ए रूप में लेल जेतै कि नहीं लोक के परिवार के कार्यक्रम बनते कि नहीं सेहो सब एकटा मानल जा सकैया नहीं ओई में सिर्फ जे छै से ओई कार्यक्रम मात्र के हमरा सब रूपा धीरेन्द्र से जोड़ के नहीं देखी अगर रूपा नहीं रहते तो अहां जे छै से एतेक निश्चिंत भौक या एतेक प्रयोग कऽ पैबतौ अपना जीवन में कि नहीं इहो एकटा संशय चूंकि मैथिली में जे केओ गोटा काज कर रहल छथि चाहे हम स्वयं होइ अहाँ के तो हम मार्गदर्शक जे छै से पहले जे कहलहुँ हँ जे अहाँ मार्गदर्शक छी हमर चाहे वो बौआ भाई होइ तऽ कतौ नहि कतौ हमरा सबके परिवार सब बेसी जे छै से हमरा लोकनिक कनिया के ओहिमे सहयोग रहलनि हँ छनि तै हम सब किछु कऽ रहल छी कारण ई घाटा के सादा छै तऽ जे जकर क्रेडिट यहीं के शब्द अइ जे जकर क्रेडिट होइ ओ कम से कम ऑन रिकॉर्ड जे छै से एकदम असंभव बात छै यदि हम सब या तऽ बाबाजी बनि जाए बिल्कुल पहिनेहे सब तै तरह यदि परिवार में रह कर किछ अपन समाज के लेल किछ अपन भाषा के लेल संस्कृति के लेल करय चाहे छी तो तै में परिवार के यदि सहयोग नहीं है तो हमरा लगे यदि वो टाइम के मामला में सैक्रिफाइस कर दे छथिन ओहो टा सहयोग छे और यदि डेग में डेग मिला के आगा बढ़े छथि तकरा बात तो बुझ लिया जे वो बहुत 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 चीज भ गेल डॉक्टर रमानंद झा रमण एकटा लिखने रहे जखन हम सब सगर रात दीप जरे के आयोजन काठमांडू में केने रही तब बड़ा जे भर रात दीप उसकावत रहली रूपा कह कर ए तरह त ई दीप बारलैत के अलग बात छे ओई में तेल द द क उसकावत रहना है बहुत पैग बात छे और ए में रूपा के मात्र नाम आला अनेक छत हमरा नाम नहीं इस मोन अहाँ के घर में हिनका घर में और अनेकों घर में बिल्कुल ई बात छे आप जे छे से चूंकि किछ एतेक रास बातचीत भेलै है तो सफलता के कोनो शॉर्टकट नहीं हुई छे बिल्कुल चाहे वो जिनका किनको भेटलन अहाँ के भेटलन है या जिनका किनको भेटलन है अखन जे नव तुड़िया जे छे चूंकि अहाँ के आवाज मिथिला के आवाज छे जकरा नेपाल में भारत में कही जे हमरा जनतबे अइ दुनू से कनेकवो कम अरब में नहीं सुनल देखल जाय छी कतार होय चाहे हां तो पूरा पूरा हम पूरा हम अरब जे छै से कहि देलौं हां तो जे क्यों नया व्यक्तित्व छै तो बहुत गोटा आब तो सोशल मीडिया के जे छै से जमाना आबि गेलै बहुत गोटा से जे छै से आब बहुत गोटा अहाँ के देखो लेलन है नहीं तो बहुत दिन तक जे छै अहाँ के मार्गदर्शक तो हम कहलहुँ जे अहाँ के पथ पर हम चले के लेल अग्रसर भेलहुँ लेकिन अहाँ देखाइ केहन छी सेहो हमरा बहुत दिन तक जे छै से हाँ तो बस अहाँ के आवाज छल या अहाँ के जे विजन अहाँ के जे थॉट छल सोच छल ताहिसँ हमरा प्रेम छल
तो हमरा जनतबे जे मंच जे छे मंचिए जे अहाँ के अथी रहला प्रस्तुति रहला या जत सहज रूप से अहाँ के लोग देख सकै छथि तिनका छोड़ के आई बहुत गोटा जे छे से तिनका लेल ई एकटा बड़ पैघ मौका हेतनि या जे नया सृजनकर्ता छथि हुनका लोकनिक लेल तो शॉर्टकट नहीं कोनो होइ छै सफलता पेबाक और अहाँ के सफल हेबाक एहि के विषय में हम हुनका लोकनिक लेल जे छै हमरा हरेक प्रश्न में अहीं लग में जवाब रही है जे शॉर्टकट नहीं होइ छै सफलता पेबाक भाई कनी रास्ता दिखियो बनबियो और हमरा लगे है मैथिली के संदर्भ में तो बहुते अखन अखनो हम देखै छी जे रास्ता अहाँ के बनबैयो के प्रति तोड़ित चलबाक ठीक छै और खास कर बाबा नागार्जुन के एकटा उक्ति जे छै से बहुत लोग जनै छथि ओहि चीज के बेसी आत्मसात करैत ओ कहने रहथिन जे क्यों हिंदी में पूछने रहें जे नई नई पीढ़ी को क्या संदेश देते हैं तो कहने रहथिन जब पीढ़ा घिसता है तो पीढ़ी बनती है तो पीढ़ा केना घिसै छै तो ई बुझियो तो निरंतर लागल रहनाई तो जरूरी छै ये और सबसे पैघ बात छै जे आत्मविश्वास एकटा तो अपना पर से हो एकटा ऐ माटि पर से हो ओ विश्वास जखन कऽ लेबै जे नहीं अहू में किछु छै तऽ माटि के विश्वास एहन होइ छै जे अहाँ पूरा लगन से लागल रहबै बॉलो जे पेरबै ने तो तेल बहरेते अब बहराई छे हम वह चीज कह लागल छलो हां चूंकि अहाँ हमरा जखन हम कने फ्रस्ट्रेटेड होई छी तखन हम अहाँ से बात करै छी अहाँ तखन कहै छी ललित मैथिली में जे केओ गोटा काज कर रहल छथि ओ जो ई बुझ 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 लेते जे हम बॉल पेड़ै छी तो तेल निकलबे करते है निकल बिल्कुल ई छै ई खास कर के हम अपने संदर्भ में सेहो देखलौं आ जे केओ निरंतर लागल रहलै था जे हम बाउल पेरै छी तो ओहिमे से निकललै है आई वो तेल लोग खूब औंस रहल है अलग बात छै है ना हमर केस उड़ गेल बिना तेलक से अलग बात छै मुदा आई कम से कम ई वातावरण बन रहलै है जे वो तेल भरलै है बस एकटा संदर्भिते प्रश्न छै एखन जे छै से नवतुरिया में एकटा बरात चेतना जगलै है साहित्य के प्रति हमर मानव कि मतलब बूढ़े पुराण के पढ़ित रहले हन जे लोक साहित्य वो छे जे लोकक हित के लेल सृजन कयल जाय लोक साहित्य के जे परिभाषित कने छथिन जे लोकक हित के लेल जे सृजन कयल जाय वो लोक साहित्य छे अब लोक साहित्य लोक तक केना पहुँचते केना सहज रूप से पहुँचते केना सुगम रूप से पहुँचते एहि के लेल एकटा नवतुरिया में एकटा बड़ा मतलब बहुत नीक एकटा जे छै से वातावरण बनलै है जे एक कलकत्ता से एकटा हवा चललै ओहिठाम जे छै से आकाश तर बैसकी भेलै तकरा बाद भेलै जे फेर पटना में साहित्यिक चौपाड़ बनलै आ ओ पसरैत पसरैत चल गेलै कतार तक जतऽ साँझक चौपाड़ भऽ गेलै काठमांडू जाकर जे छै से साहित्यिक चौपाड़ भऽ गेलै कतौ काव्य वैसार भऽ गेलै विभिन्न तरहक प्रयोग भेलै ई निश्चित नहि छै जे हमरा एकटा बड़का मंच भेटत तखने हम काव्य प्रस्तुति करियै और एखन तक सएह होइ छलैए जे मतलब हमर सबके जे समय जहिया से भेल ई ललसा में रहै छलहुँ जे कतौ एकटा मंच होइतै जे हमरा सबके अवसर भेटतै सोशल नेटवर्क एकटा बड़का मंच भेट गेलै जतऽ लोक एहि चीजके साझा कऽ रहल छै तऽ एकटा ई जे एकटा एहन प्रयोग भेलै एहि प्रयोगके सन्दर्भमे अहाँ एकर भविष्य की देख रहल छी ओहिसँ पहिले जे छै से भैयाके जे आंसर छनि जवाब हेतनि ओहिसँ पहिले कमसँ कम रूपेश तियोतके नाम एहिठाम लेनाइ जरूर बिल्कुल ईमानदारी जे छै चूँकि जो शुरुआत जे छै से ओहे ठामसँ छै बिल्कुल तऽ ई रूपेश तियोतके जे छै से हमरो सब दिससँ जे छै से बहुत बहुत शुभकामना धन्यवाद ई जे डेग उठला है ई डेग निश्चित रूपसँ छै साहब एकर भविष्य पर जे छै से हमसब जरूर हिनकासँ मार्गदर्शन मैथिली के मामला में जतेक तामझाम से मुक्त रहब अखनो एकरा जीवंत बनौने रखबाक लेल ततेक ओकर सुदीर्घ यात्रा के अहाँ कल्पना कऽ सकै छी ठीक छै और जखने कहबै बड़का तामझाम के संग ई हैत नो मन घी हैत तकरा बादे हम नचनाई शुरू करब तऽ ई मैथिली के संदर्भ में ई संभव नहि छै आइ के संदर्भ में भले ही अहाँ ई मासिक काव्य बैसार सब कहलहुँ जे जखन गतिविधि ठप्प जकाँ रहे भऽ गेल तऽ तखन ई फेर शुरू भेलै ई एहन समय के बात छियै जहिया अब विभिन्न सोशल मीडिया सब अछि छियै तऽ ई सब कनिक मदद कऽ रहल छै आ गतिविधि कनिक कम भऽ गेल रहै मुदा विगत के जँ बात कही हमरा सबके शुरुआत तऽ ओ अहि उपक्रम सँ अछि भेल मिथिला नाट्य कला परिषद प्रत्येक महीना के 22 गते एकटा
कवि गोष्ठी के आयोजन ओ मासिक ओ प्रयोगशाला के रूप में तकर बाद शुरू भेले बेसी से बेसी लोक अबे हम जे काठमांडू गेलों तो योगेंद्र शाह नेपाली तहिया मिथिला नाट्य कला परिषद के अध्यक्ष रहत तो जनकपुर में बड़ा दूसरे तरह का आपकता रहे सब गोटे हमरा बस स्टैंड तक छोड़ा गेल रहत करीब 50 गोटे और कहने रहे धीरेन्द्र जी अहाँ काठमांडू जा रहल छी मिथिला के राजदूत बनकर तो बात हमरा बड़ा कोनादन केलक हम तो काठमांडू जा रहल छलौं लगभग लगभग हीरो बना वा गायक बना एकटा ई बुझ सकै छी मुदा ई जखन कह देलक तकर बाद हम काठमांडू पहुँचियो कऽ मान लिय मुंबई में बॉलीवुड में जे लोग जाइए तो एक दोसर सपना रह गया मुदा हम से नहीं हमर सपना रह गया मिथिले रह गया आ वही ठाम हम मैथिली विकास मंच नामक एक संस्था के जे जनकपुरे में रहा एस्टैब्लिश भ गया ओकर शाखा कह के वही ठाम खोलूँ और प्रत्येक महीना के अंतिम शनि एक कवि गोष्ठी शुरू कलूँ एक ठाम सार्वजनिक जगह पर बैसी तहिया हमरा सब लग में टेलीफोन नहीं रहे छला पत्र पत्रिका मार्फत से कोनो प्रचार करब तो एक टा मात्र सरकारी पत्रिका निकले छले जे किया छापि देते हम चीज रेडियो नेपाल तक पहुँच नहीं रहा और कोनो साधन नहीं रहा साइकिल तक नहीं रहा जे लोग के जा जाकर कहिए तो चार पांच गोटे मिल कर हम सब की कलूँ तहिया जे अब फिर कनी दिन का इहो हो छला जे हम तो गायक छी कवि छी तो केना यथाभावी चलब तो रात के 10 बजे के बाद हम सब हाथ से लिखल पोस्टर ल जाए छलौं आ जगह जगह साटे छलौं जे फलना दिन नाना कवि गोष्ठी भ रहल अछि आ ओहि में लोग पहुँचे 150-200 तक लोग जमा भ जाए छले ओना कर आ एक दिन तो हमरा बड़ा ई गौरव भेल जे एकटा बहाल वाला मंत्री अनेरे घुस गेलथि गाड़ी समेत यौ जे हम तो देखियो बड़ा साहित्य प्रेमी लोग एहिठाम देखलहुँ जे मैथिली साहित्य के अथी तो पहाड़ी रहत लेकिन हम मैथिली से प्रेम रखनिहार हम तो बिन बजौने चलि अलौं कहि कऽ तऽ अहू तरहक एकटा प्रभाव पड़ै छलैए तऽ ई विभिन्न समय के बात छियै मुदा आइयो जँ ई बात भऽ रहल छै एकरा बेसी से बेसी करबाक चाही ई एकटा प्रयोगशाला के रूप में होइ छै जनकपुर में बाद में एकटा एहन उपक्रम शुरू भेलै जे साप्ताहिक रूप से ई कवि गोष्ठी शुरू भेलै जतबे गोटे छी जी 10 गोटे छी पाँचे गोटे छी बैसे छलाह रचना प्रस्तुति होइ छलै ओहि पर ओही ठाम समीक्षा होइ छलैए बेस चीरफार होइ छलैए तऽ एकर तऽ हमसब इतिहास देखी तऽ बड़ा सफल इतिहास छै मिथिला में सगर राति दीप जरे एकटा उत्कृष्ट उदाहरण अछि जाहिसँ मैथिली कथा के एकटा जान भेटलै एकटा ऊँचाई भेटलै तऽ ई सब चीज छै तकर नवीनतम संस्करण सब छै ई सब एकरा जे केने छी हमरा लगैए हिंग लगे न फिटकरी रंग चोखा वाला बात इएह छियै हमरा एकटा सन्दर्भ याद अबैए हाल ही जे छै से हमरा सब सुनील मल्लिक जी के संगे जे छै से साक्षात्कार में बैसल छलहुँ हैं तो इहे जे छै से काज केम्हर केना भ रहल छै ई गतिविधि पर ओ कहले जे एम्हर काज बढ़िया भ रहल छै तै के मूल कारण ई नै जे एम्हर लोक बढ़िया छथि या काज करै वाला बढ़िया छथि एम्हर काज एहि दुआरे बढ़िया भेलै आब भ रहल छै से तऽ हम नहि कहब लेकिन भेलै कारण एम्हर जे छै से गार्जियन बढ़िया छला है एम्हर हाँ एम्हर जे छै से महेंद्र मलंगिया सन गार्जियन छला है धीरेश्वर झा धीरेन्द्र सन गार्जियन छला है चाहे ओ डॉक्टर राजेंद्र विमल सन गार्जियन तो मतलब एहन एहन किछु नाम छै तो ई जे चीज छै हमरा बड़ा नीक लागल बातचीत में ई संदर्भ आबि गेलैए जे हम की कऽ रहल छी एकरा क्यों देखै वाला ललित बड़ नीक कऽ रहल छथि तऽ ओकरा सिर्फ जे छै से प्रशंसा नहि कऽ कऽ कारण धीरेन्द्र भैया ओकरा हेलो मिथिलासँ आलोचना सेहो करै छथिन लेकिन ओ आलोचना नहि छै ओ ओहि तरहसँ कहै छथिन जे नहि एकरा आओर बढ़िआँसँ कयल जा सकैए ओकरा आलोचना जहिया मानि लेब तहिया तऽ कतौ नहि कतौ ओहिमेसँ निकलतै जे नहि ई मतलब ई कऽ रहल छथि ई कऽ रहल छथि तऽ से नहि तऽ हुनका लोकनिक लेल जे किछु जे छै से अगर एहन तरहक चीज होइ छै तऽ ककरो ने ककरो एकटा आदर्श बनायल जाय एकटा गुरु बनायल जाय आओर ठीक छै आइ जे कऽ रहल छी तऽ काल्हि खनि एहिसँ नीक हेतै परसू खनि एहिसँ आओर बढ़िआँ भऽ सकै छै तऽ भैया बातचीत प्राय हमरा सब हर विषय पर तऽ केबे केलहुँ आओर अन्तमे जे छै से अन्तमे आबि गेल छी हमरा सब तऽ एक बेर हम चाहब अहाँके मुँहसँ जे मानल जे झंझा झकोर बड़ा जोर छै आ ताहिके बाद फेर अन्तमे डॉक्टर राजेंद्र विमलके रचना जे डारि खसलै कोना कतऽ
पूछू ने मी बहुत रास गीत सब कह देलौं एकटा गीत त हमहु नै छोड़बै त हमर बेटा राम सन हमरा बड़ पसंद है तो ई त हमरा देखियौ जे चीज आब हम नै रहि गेलौं हमरा से चीज बनाबा चाहि रहल छी वास्तव में हम भूतपूर्व गायक सेहो ओतेक परफेक्ट गायक नै हां गीत के एकटा सम्मान देबाक प्रयास हमर सब दिन रहैया कनेक हम कनेक पुराण में जाय चाहब मनीष जी कहलखिन जे रूपा जी के संदर्भ संबंध के विषय में हमरो सब के नहीं बुझल है एना अखनो गोटे आधे लोग भेट जाए गोटे आधे जिनका आश्चर्य हो मुदा एक हम संदर्भ हमरा लगे श्रोता सब के रुचिकर हेतन दर्शक सब के एक बेर हम उदित जी के रंजना जी के प्रसंग हेलो मिथिला में चल रहा छा सौसे इंडिया में चल रहा छा हेलो मिथिला वो घरक बात के कनी विशेष ढंग से उठल है ना अपन गाम के घर के जो कोनो हमर बहिन बेटी क्यों वो जब पीड़ित हो हमरे लोग से तो हमरा लगे हमरा मुंह खोलवा चाहिए है ना भले ही हमारा आवाज हाँ, नहीं सुनल जाए हाँ, बम्बई तक ई रहा मौन रहब जे छे से ओकर जी तो वो प्रसंग जखन चल रहा छे वही बीच में एकटा क्यों व्यक्ति हम काठमांडू में एकटा सरकारी नौकरी करै छी तो वही ऑफिस में अलथ तो बेसी गोटे के आवाज सुनला के बाद ही चिन्हल चिन्हल लगे ऐ तरहक होते तब के निकाल के बाद हम कह दिलिए हम सह वह धीरेन्द्र प्रेमवर्षी तक बड़ बढ़िया वो अपन अला अरे देखियो अहाँ के हेलो मिथिला हम एना सुनै छी ओना सुनै छी तब गेला वही प्रसंग में ठीक है वो उदित नारायण वाला जे कहलिए रंजना वाला से बात तो बड़ा ये तो अन्याय वाला बात भेले एहनो कतु भेले हमहु सब जनै छी जो तो बियाह तो केने छे एना कहै छै जे नहीं चिन्है छी तकरा बाद कहै छै ठीक है वहां जरे जो रूपा जे बोलैए ओकरो कहाँ दुनू घर वाला छोड़ दिल के ये तब हम कहलिए ई बड़का भारी प्रश्न भ गेल तो हम कहलिए हमरा त नहीं बुझल पता लगबियो ने छोड़ दिल के नहीं जड़े बैसै छै तो ओकर तात्पर्य वह छलै या जो तो अहीं जरे गड़बड़ छै तो हम कहलिए नहीं हमरा ई नहीं बुझल के कहलक अहाँ के ए तो ओकरे गामक के एगो है हमर साथी ओ बोलै छलै जे बोलकू ओकरो घर वाला है छोड़ देने तो एहि तरहक सेहो बड़ा किछु एकदम अविस्मरणीय सन्दर्भ सब आबि जाइ छै आ लोकके देखियौ जखन अहाँ जे काज करैत जेबै तऽ कोनो किम्बदन्ती जे बनै छै पॉजिटिव नेगेटिव एहि तरह बनै छै आओर एहि चीजके बहुत रास छै हमसब समाजमे जे किछु बात होइ छै तऽ ओकरा कनेक ढङ्गसँ पड़ताल कऽ कऽ लेल करी तकर बड़ा एकटा जीवन्त उदाहरण हमरा ई भेटल रहै ई मात्र एकटा उदाहरण के लेल कनेक एकरा हमरा हालै जे छै हमरो सङ्गे एहन एकटा घटना घटल हमरा इंटरव्यू के बाद जे छै से जूली झा जे छै जखन कनि बेसी मंच पर जाय लगलथि संजोगसँ हाँ संजोगसँ हमर कनिया के नाम सेहो जूली बुझि गेल हमरा एकटा फोन आयल जे जूली अहाँ के कनिया छथि हम बोलिए हाँ तो अच्छा ओ एक रात के प्रोग्राम के अहाँ सब कते जे छथि हम कहलियैन जे हाँ जूली तऽ हमर कनिया छथि लेकिन ओ गबै नहि छथि तऽ तखन जे इंटरव्यू केलियनि से के छथि से कहू खैर जी जी तऽ आब हमरा लगातार ततेक गीतक बात कहि देलहुँ मुदा एहि सब गीतसँ हटिकऽ ओहो सब अहाँ सब कहब तऽ हम सुनायब एकटा गीत जे हमरा बड़ प्रिय अछि हमर प्रिय गीतकार सियाराम झा सरस जिनका गीती क्षेत्रमे हम मार्गदर्शक मानै छियनि आओर मार्गदर्शकके जखन बात अहाँ कहलहुँ तऽ तकरा बाद फेर हम कनेक पाछा जाय चाहै छी जे सुनील जी कहलखिन जे जनकपुरमे डॉक्टर धीरेन्द्र रहथिन एकटा गुरु महेंद्र मलंगिया रहथिन वो सुंदर झा शास्त्री रहथिन राजेंद्र बिमल छथिन योगेंद्र शाह नेपाली रहथिन श्याम सुंदर शशि तऽ हमरे सबके समकालीन भेलथि तऽ बड़ बढ़िया हमर अग्रज हम सब जखन लिखऽ लगलहुँ तहिया ओ लिखैत रहथि से तऽ अहाँ कहलिए जे किनको गुरु बनबियौ लेकिन गुरु बनऽ के लेल तैयार कतेक छथिन ओकरा लेल जे त्याग चाही जे समर्पण चाही ओकरा लेल जे खतरा उठबऽ पड़ै छै डॉक्टर धीरेन्द्र जिंदगी भरि सबके आदर्श रहलखिन मुदा हुनका ओ जखन मरि गेलखिन तकरा बाद हम हुनकर गाम गेलहुँ हमरा होइ छलै जे बाप रे डॉक्टर धीरेन्द्र प्रोफेसर
हमसब तो भगवान तुल्य मानै छलहुँ हँ, हिनकर की हेतन रुतबा। घरमे गेलहुँ तऽ खपड़ा सेहो जगह जगहसँ खसल। तऽ ई दुर्दशा भोगितो सारा समय अहाँ दऽ रहल छिए शिष्य सभक लेल, एकरा लेल कतेक आदमी तैयार छी? तऽ गुरुत्व जे छिए ओ परम्परावला ओहो साधारण काज नहि छै। तऽ हमरा लगैए ओहि तरहक जखने व्यक्तित्व सब किछु तैयार हेथिन जे अपन बाकियो काज सब छोड़ि कऽ जिज्ञासु सबके समय दऽ सकथिन, एकटा बाट देखा सकथिन, तऽ तकरा बाद आइके समयमे तऽ हम देख रहल छी एहि पार पेश आँखि घर लोकसभ आयल छथि लेखनमे सेहो, आनो आनोमे एता। हम सङ्गीतोमे आशावादी छी, अखन शुरुआतके समयमे वा अखनके समयमे कनि बुझाइ छै दिग्भ्रमित, मुदा आशावादी छी। मुदा एकटा विश्वासक जे डिबिया छै ओ जहाँ चरित रहै छै ने तऽ बहुत किछु होइ छै। सियाराम झा सर हमरा सबके, हमर सुनीलके, दुनू गोटेके आदर्श। आओर हमरा लगैए जे गीत लिखी, गीतके कनि सामाजिक सरोकार दिस बेसी उन्मुख करी, से कतौ ने कतौ गुण हुनका सबसँ भेटल अछि। ई गीत शायद अहाँ सब नहि हैब सुनने, जकरा हम एकटा ट्यूनिंग कऽ कऽ रखने छी, अखन तक रिकॉर्ड नहि छी केने, आब कहिया ओतेक उपयुक्त गायक भेटता। जहिया भेटता हमरा सबके समक्ष तऽ आबि रहल छै। टूटल फाटल टाट के मड़ैया रे मड़ैया, तई में लाले इलची सन के मोन हो। टूटल फाटल टाट के मड़ैया रे मड़ैया, तई में लाले इलची सन के मोन हो। लाबन पर जरैया एगो नन्हिए टा डिबिया, लाबन पर जरैया एगो नन्हिए टा डिबिया, दौरी भर उजास कोने कोन हो, दौरी भर उजास कोने कोन हो। टूटल फाटल टाट के मड़ैया रे मड़ैया, तई में लाले इलची सन के मोन। एके जनी खटलौ कि दुइये जनी खटलौ, भेटलै में एके तम्मा धान हो हो हो। एके जनी खटलौ कि दुइये जनी खटलौ, भेटलै में एके तम्मा धान, तही में छै बेद रो आ पहुनो पवनियो, तही में छै बेद रो आ पहुनो पवनियो। बचतै त गंगो आसलान रे, बचतै त गंगो आसलान। टूटल फाटल टाट के मड़ैया रे मड़ैया, तई में लाले इलची सन के मोन। ई तऽ एकटा आशाके बात भेल, अहिमे एकटा जरूरतके बात सेहो छै। कियो आबै कियो जाइ अटना कि पटना, देतै नहि छटाको भरि नोन। अटना होय पटना होय काठमाण्डू होय दिल्ली होय, देतै नहि छटाको भरि नोन। काल्हि नब कबेरिए उठेतै गा कोदरियो, काल्हि नब कबेरिए उठेतै गा कोदरियो, छील देतै सबटा अकाबोन हो, छील देतै सबटा अकाबोन।
टूटल फाटल टाट के मड़ैया रे मड़ैया तई में लाले इलची सन के मोन हो तई में लाले इलची सन के मोन। कते प्रशंसा कहल जाए कोनो शब्द जे छै से बिल्कुल बिल्कुल दीनहीन के जे भावना छै मुदा दुर्भाग्य ई छै जे सियाराम झा सरस के एहि तरहक जीवंत गीत कतौ छै लोक के नहि छै बुझै छै ई। हम सब एकटा ई प्रयास सब दिन सँ करैत रहल छलहुँ हँ आ करैत रहल छी जे एहि तरहक चीज सब आबै। ताहि दुआरे कलानंद भट्ट के गजल हुनकर गजल हमसब मंच पर गायल करी जे बकरी बियतै तऽ खीर खायब हमहूँ बकरी बियतै तऽ खीर खायब हमहूँ अखन डोके के तीमन पर जीव रहल छी नुआ में पेन टकैत बाजल सनेचरी दैवे भेल बाम जार पीब रहल छी नेने में टुगैर जुआनी में विधवा तैयो कामना के आँचर के सीब रहल छी कोसी या कमला के मारल झमारल हम साले साले इंची इंची लीब रहल छी बकरी बियतै तऽ खीर खायब हमहूँ। नव गीत संगीत वाला लोग के लिए बहुत बड़का प्रेरणा है हमारा सब लग एतेक मतलब नीक नीक गीत एतेक मतलब लोग से जुड़ल विषय पर गीत जे पर काज भेनाइ एखनो बाकी नहीं सिर्फ गीते संगीत नहीं कहबे कलने जे नानान विधा में जे छे से बहुत गोटा छे त ई चूंकि जो हमरा सब बैसल छी एहिठान से मार्गदर्शन लऽ कऽ हमरा सब किछु काज केलहुँ हँ तऽ ई हमरा अहाँके लेल जे छै सेहो बेस दायित्वके बोध करबैए कि हमहूँ सब जे छै से किछु उठा कऽ नहि राखि दिए किछु एहन चीज लऽ कऽ आबी जे ओहिसँ समाजमे एकटा स्वस्थ संवाद सम्प्रेषण होय आओर दीर्घकाल तक जे छै चूँकि हम भैयासँ दू चारि पाँचटा आवाजके विषयमे जे छै से हमरा किछु किछु सुनेला हए तऽ ओ एहन आवाज छथि जे कतौ कोनो नाम नहि छै लेकिन ओहि आवाजके सुनलाके बाद लागै छै कतेक परफेक्शन कतेक ठहराव छै ओहि आवाजमे। तऽ चूँकि ई जे छै से एकटा खोज धर्म जे छै से हिनकर शुरुआतेसँ रहलनि हँ ताहि विधामे तऽ ओ चाही वास्तवमे जेना अहाँ सब परिचय देलहुँ आ वा हम जाहि क्षेत्र सबमे हाथ पैर भाँजि रहल छी तऽ ताहि आधार पर कहबै जे कनि मनी तऽ सब चीज जनै छी मास्टर नहि छी कतौ ठीक छै तऽ कनि मनि सब चीज जनै छी तखन तऽ सब हमरा कोन जरूरी रहै जे सरसजीके गीत हम गबितियनि कोन जरूरी रहै जे हम मानि लिअ सुनील मल्लिकसँ गबितियनि वा गुरुदेव कामतसँ गबितियनि कनि मनि गाबियो लै छी कनि मनि कम्पोजो कऽ लै छी लिखतै तऽ छीहे आओर एडिटिंग कऽ लै छी अपनेसँ वीडियोग्राफिक कऽ लै छी तखन तऽ सारा चीज भऽ जाइ छै। मुदा कहियो ने कहियो जखन हमसब समूह कार्य करै छी तऽ विभिन्न आदमीके श्रम लागल रहै छै सोच लागल रहै छै शैली लागल रहै छै ओहिसँ एकटा ओ विशिष्ट चीज बनै छै आओर ओहिमे एकटा स्वामित्व बोध सेहो सबके होइ छै। आओर अहाँ जेना कहलियै जे किएक नहि गायक सबके एहि तरहक बात होइ छै तऽ भोजपुरी गीत वा भोजपुरी टाइपक गीत प्रति बड़ा रुझान सेहो देखल जा रहल यऽ। मुदा देखियौ मैथिलीमे तऽ हरेक चीजके कहबाक अपन शैली छै श्रृङ्गारके एतेक अतल गहराइ तक मैथिली पहुँचल छै जतऽ हमरा लगैए आन भाषासब पता नहि पहुँच पाएत नहि पहुँच पाएत कि तऽ एतेक सामर्थ्य संस्कृतेके छलैए आ इएह तऽ ओ मैथिलीमे भऽ रहलैए जकर अनेको उदाहरण विद्यापतिक गीतमे तऽ छियै सरसे जीके एकटा गीत हम कनेक एहिठाम फेर सुनायब जे हुनका सबके कनि इहो चीज भेटनि जे भाई रसगर गीत मैथिलियोमे भऽ सकै छै आ कोन तरहें भऽ सकै छै। रात हमरा बिछौना पर आयल रह चाँद हम चटपट करे जामे साइट लेलियै चान छिटकल छिटैक कने छिड़िया उठल चान छिटकल छिटैक कने छिड़िया उठल हम कनखी सा दूरी के पाइट देलियै रात हमरा बिछौना पर आयल रह चाँद दृश्य न जाओ चान घुसकल गेलै
हम सहटल गेलौ चान कोंटा धलक हम बहटल गेलौ हो चान घुसकल गेलै हम सहटल गेलौ चान कोंटा धलक हम बहटल गेलौ चान गट्टा छोड़े बाल हिचुकल कते चान गट्टा छोड़े बाल हिचुकल कते हम औठी देखा मन उचाट लेलिए उचाट लेलिए रात हमरा बिछौना पर आयल रह चान ई कनी आरो सुन पड़त जी जी आ सौभाग्य चान छह छह छले चान मह मह छले एठाम मैथिली भाषा के वैशिष्ट सेहो देख सकै छी जे अनुकरणात्मक शब्द सब कतेक ढंग सँ प्रयोग भेलैए चान छह छह छले चान मह मह छले चान कोइला के आग जका कह कह छले हो दुनु बाकुट में जरो परो सुखक सनेस दुनु बाकुट में जरो परो सुखक सनेस हम निकती सा जोख तौल बाँट लेलिए बाँट लेलिए रात हमरा बिछौना पर आयल रह चान चान हँस हँस का दूधे नहा गेल छल एक चंपा कली सन फुला गेल छल हो चान हँस हँस का दूधे नहा गेल छल एक चंपा कली सन फुला गेल छल ठोर सटने तहीरा में होशे राज ठोर सटने तहीरा में होशे राज हम मजनू भाहीरा के चाट ले लिए चाट ले लिए रात हमरा बिछौना पर आयल रह चूँकि हमरा त 15 साल जे छै से पाछा कऽ देलहुँ चूँकि जे टाइम ई गीत सब जे छै से हम हमर किछु जे 10 गीत अइ किछु सुनील भाई के सेहो कहने रही रिकॉर्ड सरस भाई के अपन लहजा मे छै हाँ चूँकि ई गीत जे छै से बजैत रहै छी बेर बेर अहाँ कार्यक्रम मे अहाँ के कार्यक्रम मे हाँ हाँ हम बजै छी बजै छी ई गीत जे छै चूँकि हाँ राति हमरा बिछौना पर आयल आ ओना जे छै से सरस जी के मुँहे हम किछु मंच पर जे छै से दू तीनटा मंच पर हम अथी भेलहुँ हँ तऽ किछु मंच पर जे छै से हुनकर शैली मे अहाँके जे छै से अथी सँ जे छै से बेर बेर एहि चीज के कार्यक्रम मे जिक्र करै छी तऽ प्राय हमरा सब कार्यक्रम के अंत मे आबि गेल छी एकटा समय सीमा जे छै से बिल्कुल बहुत लम्बा भऽ गेल तऽ अंत मे जे छै से कोनो एकटा प्रगति सूचक जे छै चूँकि विभिन्न विधा मे अहाँके महारत हासिल अइ तऽ एकटा प्रगति सूचक बात कल कल छल छल बहनिहार स्वच्छंद अनिर्मल धार हम बाग सबेर बत कांट कूस सजबी फूलक संसार हम कौल को सूरजक सहज किरण ला आनव नव का भोर हम डेग बढ़ावे चल रे मीता भौ जाए एक संगोर हम डेग बढ़ावे चल रे मीता भौ जाए एक संगोर हम आननब का भोर भौ जाए एक संगोर
तऽ बस नवका भोरक लेल कोलका जे सूर्य रहा ओकरो उष्मा हमरा सहेजा पड़त और आगा के बाद डॉक्टर राजेंद्र विमल के वो पाइंट जे छै हम सुनबे टा करब चूंकि बड़ बेसी ऊर्जा भेटी हमरा इस मानल जे झंझा झकूर बड़ा जोर रहे छै बहुत रास गीत शिवेश जी सेहो कहलैत मनीष जी सेहो कहलैत हमरा लगैया से सब आन आन में सेहो सुनल करी भैया हम संक्षेप में वो डॉक्टर राजेंद्र विमल के वो कविता एक पंक्ति जे छै से डायर खसले कोना बस एकरा कहि कहै छै हम सब संपन्न करी एकरा जरूर बहुत महत्वपूर्ण यो जे ठाड़ खसले कत कोना पूछू निमित जे कूपर उगल तकर उत्सव करी रात अहिना भयावन अबै जाय छै अखन अंतस के गागर किरण सब हरी अखन अंतस के गागर किरण सब हरी तई राजेंद्र विमल के एकदम ऊर्जा से भरा वाला एक सुंदर गजलांश तो तही के संग हम अपन जे अभिव्यक्ति से अंत करे छी भैया मिथिला मिरर के जे छै से एते काल समय देवाक लेल एतेक जे छै से निचैन से फेरछा के विभिन्न विषय पर बातचीत करबाक लेल अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद आ चूँकि हमरा सबक जे छै से सौभाग्य अइ जे अहाँ के संग एते काल बिसबाक अवसर भेटल आ ओहि के बाद जे छै से विभिन्न विषय पर बातचीत करबाक अवसर भेटल ताहिके लेल बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ बहुत बहुत धन्यवाद मिथिला मिरर ओहना मिथिला के ऐना के रूप में प्रस्तुत भऽ रहल अछि जाहिमे सम्पूर्ण मिथिला के छवि प्रस्तुत होइत रहलैए और अहाँ सब सन आई के ऊर्जावान पत्रकार सब वा बहुविधावादी छी अहूँ सब लगभग लगभग एके रंगक लोक सब जे बैसलहुँ तऽ बहक गेलहुँ बहकैत बहकैत ततबा लम्बा भऽ गेल जे हमरा सबके समय तऽ कोना बीतल से पता नहि चलल मुदा दर्शक सबके कनिक भारी हेतनि ई बेसी लगतनि तकरा लेल हम क्षमा सेहो चाहबनि जे बेसी बाजि गेल छी तऽ आजुक अङ्कमे जे छै से हमसब जे छै से बातचीतके एतहिए राखब आ अन्तमे बौआ भाइसँ चाहबनि जे ओहो किछु अपन जे छै से वाइन्ड अप स्वरूप अपन दू शब्द राखथि ताहिके बाद जे छै से फेर हमरा सब जरूर ललित भाइ बहुत बढ़िआँ आओर कोनो व्यक्तिके जे छै से परिचय ओहिना बहुत विशिष्ट नहि होइ छै व्यक्तिके परिचय विशिष्ट होइ छै ओकर कर्मसँ ओकर धर्मसँ आओर ओकर समर्पणतासँ तऽ एहि सबक जे एकटा हमरा सब लग प्रतिबिम्ब छलथि हँ जे एखन हमरा सबके खाम छथि मिथिला मैथिलीमे आओर बहुचर्चित छथि ओहिना नहि छथि बहुचर्चित बहु प्रतिभा लऽ कऽ बहुचर्चित छथि तऽ तेहने सन व्यक्तित्वके सन आजुक हमरा सबके कार्यक्रम छल मोनक बात आओर एकर बाद फेर हमसब भेटब कोनो एहने सन महान हस्तीके सङ्ग ताबे धरिके लेल जय मिथिला अन्तमे जे छै से हम एकटा चीज कहब जे यूट्यूबपर जे छै से मिथिला मिररके जे चैनल छै youtube.com/mithilamirror ओहिपर जाइ सब्सक्राइब करी चूँकि हमरा सबके जे छै से पूर्ण रूपसँ व्यावसायिक पत्रकारिताके जे छै से एकटा नव स्वरूप देबाक जे छै से हमरा सब कोशिश कऽ रहल छी ओहिमे अहाँ लोकनिक सहयोगके बिना ई चीज जे छै से कखनो सम्पन्न नहि भऽ सकै छै अहाँ सबके सब्सक्राइब करबाके कारण बातके बेसी तखन हमसब पहुँचा सकै छी जखन हमर सबके कनेक्टिविटी या हमर सबके जे पहुँच छै ओ बेसीसँ बेसी हेतै चूँकि ई फ्री छै एकटा क्लिक अहाँ सबके करऽ पड़त ओहिपर अपने सब क्लिक करी आ ओकरा बाद जे छै से हमरा सबके फेसबुक पेजपर जाइ ओहिठाम ओकरा लाइक करी आजुक अङ्कमे एतबे अगिला अङ्कमे कहबे कयलनि हँ बौआ भाइ फेर हमसब कोनो विशिष्ट हस्तीके लऽ कऽ अपने लोकनिक सोझा आयब ता धरि अपने लोकनिसँ विदा चाहब कैमरामैन रवि सिंह सेंगर आओर सहयोगी शिवेश कुमार झाके सङ्ग हम ललित आओर मनीष दुनूके तरफसँ जे छै से बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार प्रणाम